ए बी और सी एक बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और वे 1200 मीटर के लंबे ट्रैक के चारों ओर, देखिए 2 मीटर प्रति सेकंड और 4 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक साथ दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में, देखिए ए और बी क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, जबकि बी क्या है, विपरीत डायरेक्शन में दौड़ता है, तो वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। जैसे देखिए ये मान लीजिए हमारा एक वृत्तकार ट्रैक है और इसमें 3 लोग हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा ए है, सोचिए ए, और उसके बाद से यहाँ पर ये क्या है, हमारा बी पर्सन है, और एक तीसरा पर्सन क्या है, ये इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, समझिए ना, आप लोग अच्छे से समझिएगा, ये सी है। देखिए ए और बी मतलब सेम डायरेक्शन में और सी क्या कर रहा है, इसके विपरीत डायरेक्शन में, और ये टोटल जो वृत्तकार ट्रैक है इसकी लेंथ कितना दे दिया गया है, 1200 मीटर दे दिया गया है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये वृत्तकार आपका ट्रैक है, आप लोग समझिए, 2 लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए दौड़ रहा है और यहाँ पे क्या आपका दौड़ रहा है, बी दौड़ रहा है, जब ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड हमारी क्या होती है, घट जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वन माइनस क्या आ जाएगा, ए है ना, तो ए माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आप लोग अगर यही दोनों मान लीजिए अगर बी विपरीत दिशा में जाता है, विपरीत डायरेक्शन में अगर जाता है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ए प्लस बी हो जाएगी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एसएससी सीजीएल में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे समझिए, देखिए ए का स्पीड हमें कितना दे दिया गया है, देखिए ए की स्पीड दे दी गई है 2 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया गया है, उसी प्रकार बी का कितना दिया है, 4, और सी का आपको कितना दे दिया गया है, 6 दे दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए जैसे एक बार हम किसको दौड़ाएंगे, एक बार ए बी का पेयर बनेगा, दूसरी बार किसका पेयर बनेगा, देखिए बी और सी का, और तीसरी बार किसका पेयर बनेगा, ए और सी का बनेगा। तो सबसे पहले देखिए समय बराबर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग T1 समय निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका कितना दे दिया गया है, 1200 मीटर। अब देखिए स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 4 में से 2 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये 600 क्या आ जाएगा, ये 600 सेकेंड आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से देखिए T2 अगर हम लोग टाइम निकालेंगे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए डिस्टेंस हमारा सेम है यानी 1200 है, और बटा में देखिए उसके बाद से बी और सी को लेंगे, जब बी और सी को लेंगे तो देखिए ये भी क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो 6 और 4 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये 0 से ये 0, यानी ओवरऑल हमें कितना मिल गया है, 120 सेकेंड यहाँ से मिल गया है ना। अब यहाँ से अगर आप लोग T3 निकालते हैं, तो T3 मतलब डिस्टेंस हमारी सेम जाएगी, तो यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 1200 दे दिया गया है, बटा में आपको क्या करना है, देखिए और देखिए यहाँ पे 6 है, C का मान हमारा 6 दे दिया गया है और A का मान 2 है, तो जैसे ऐड कर देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जैसे 8 को अगर 8 से 1200 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 150 सेकेंड आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, देखिए हमसे पूछा गया है वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, और पहली बार मिलने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जो चीज़ मान लीजिए यहाँ पे कितना आ गया, देखिए 600 सेकेंड यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, 1200 सेकेंड है, और यहाँ पे क्या है, 150 सेकेंड है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम जैसे इन तीनों का अगर आप लोग लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 600 ये क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। अगर आप लोग देखिए अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, अगर मान लीजिए मिनट में आंसर पूछे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 मिनट आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10 मिनट। मतलब वो एक कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, तो 10 मिनट के बाद वो क्या करेंगे, पहली बार मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, तो मैं बता दिया हूँ कि देखिए जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिया हूँ ना, जो सीजीएल में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए आप अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित प्रकार की योजना बनाता है। तो सबसे पहले देखिए ये पहली योजना है, ये आपकी सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है, हमारी फोर्थ है। किस योजना के अंतर्गत विक्रय मूल्य अधिक होगा, समझिए किस योजना के अंतर्गत यहाँ पे मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले तो आपको सबसे जहाँ पे कम डिस्काउंट दिया जाएगा वहीं पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए ये 30% का अगर छूट कोई देता है तो इसका तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा वैसे, क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो जहाँ पर हमें छूट निकालना है कम, कहाँ पर डिस्काउंट कम मिलेगा। तो डिस्काउंट कैसे दिया जाता है आप लोग समझिए। देखिए D1 प्लस क्या होता है D2 माइनस यहाँ पर क्या होता है D1 गुणे क्या आ जाएगा D2 आ जाएगा, बटा में क्या होता है 100 आता है। तो सबसे पहले देखिए पहली योजना के बारे में सुनिए। देखिए 15% की दो क्रमिक छूट दिया है तो 15 + 15 ऐड कर देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। उसके बाद से माइनस D1 और D2, देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 15 का दो बार गुणा करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2.25 आ जाएगा। और जैसे 30 में से 2.5 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 27.0 कितना आ जाएगा 7%। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको दूसरी योजना की बात, दूसरी योजना पे हम लोग चलते हैं। क्या बोला है देखिए 25% और 5% की छूट दे रहा है, समझ रहे हैं 25 और 5 को ऐड कर देंगे तो हमें ये कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और माइनस क्या करना है 25 × 5 = 125 और 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.25। अब जैसे इसको अगर 30 में से 1.25 घटा देंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा 28.75% मिल जाएगा। अब देखिए तीसरी योजना में हम लोग चलते हैं। देखिए तीसरी योजना में क्या बोला है, देखिए 20% और 10% की दो क्रमिक छूट, तो मतलब 20 से 10 जोड़ देंगे आपको कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और 20 का अगर 10 में गुणा करेंगे 200 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 घटाना पड़ेगा। तो देखिए अगर कम टाइम में सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसी टाइप का आपको अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 28%। अब देखिए यहाँ पे चौथी योजना में क्या बोला है 30% की छूट दे रहा है, तो यहाँ से तो आपको आप लोग ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। तो सबसे ज़्यादा छूट कहाँ पर मिली है, देखिए यहाँ पर पहली वाली योजना में मिली है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या आ जाएगा, पहली योजना में इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा अधिक होगा, क्योंकि जहाँ पे कम डिस्काउंट दिया जाएगा उसी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मैक्सिमम होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह भी बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए लिखा गया है एक व्यक्ति ने पहले वर्ष के दौरान 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर ऋण लिया और दूसरे वर्ष से हर वर्ष 5% साधारण ब्याज की क्या होता है वृद्धि होता है। 4 वर्ष बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए कुल ब्याज के रूप में 4600 रुपये भुगतान किया जाता है, तो ऋण कितना था। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए 4 साल की बात हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ईयर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, देखिए 4 साल में यहाँ पर भी फर्स्ट ईयर होगा, ये यहाँ पर भी फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 साल आ जाएगा, समझिए 4 साल टोटल ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 4 साल आ जाएगा। इस पर क्या बोला है, देखिए पहले वर्ष 5% ब्याज, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5% का ब्याज हो रहा है। दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, देखिए 0.5% इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना लिख सकते हैं आप लोग 5.5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.1। थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझिए, इसको इधर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6.5 आ जाएगा। ये परसेंट आप लोग मानिए चाहे ना मानिए कोई ज़रूरत नहीं, चलिए इसको हम लोग मान ही लेते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग क्या हो जाएंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये आपका क्या, अरे यार कोई बात नहीं है चलिए मान लीजिए। अब आपको देखिए ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, इस तरह आपको करना है एग्जाम में, इस तरह नहीं करना है, सीधे आप लोग यहाँ से क्या कर देंगे, तो आप लोग ऐसे समझिए यहाँ से आपको सीधे गुणा करना है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा प्लस 1 में 5 से गुणा करेंगे 5.5 प्लस 6 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। देखिए 5, 5, 10, 10, 12, 10, 22, 22, 5 जोड़ देंगे 5, 5, 10 एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। मतलब ये 23 यूनिट बराबर कितना दे दिया है आपको 4600 दे दिया गया है, आप लोग ऐसे समझिए। तो हमसे क्या निकालना है, 100 यूनिट का मान निकालना है, तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 200, तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 20 के, मतलब 20,000। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 20,000। और इस टाइप के क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए ये सवाल SSC का फेवरेट है ना, ये सवाल SSC का फेवरेट है, इसमें SSC इस सवाल को इतनी बार पूछ चुकी है, अगर आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप लोग समझ सकते हैं इस सवाल कितनी बार पूछा गया है। देखिए पढ़िए क्या लिखा गया है, 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्त की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। तो देखिए इस सवाल का डायरेक्ट आप लोग PQ बराबर समझ सकते हैं, PQ बराबर क्या होता है अंडर रूट में क्या होता है हमारा D का स्क्वायर, सोचिए
ये डी का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे आर वन माइनस क्या आता है हमारा आर टू का स्क्वायर होता है। तो डी हमारा क्या है सेंटर के बीच की दूरी और आर वन और आर टू क्या है हमारा रेडियस है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं। देखिए यहाँ से अंडर रूट में क्या मिलेगा डी, डी का मान कितना है 26, यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 का स्क्वायर कर देंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पे आर वन का मान कितना है, देखिए यहाँ पे कितना दे दिया गया है तो कलम चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लोग लेंगे कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर है, यहाँ पे बी का स्क्वायर है, तो अंडर रूट में जैसे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 26 प्लस 8 जोड़ देंगे आपको कितना मिल जाएगा 34 मिल जाएगा, 26 में से 8 घटा देंगे 18। अब देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2 लिख सकते हैं और 34 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 17 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो जैसे रूट से बाहर निकालेंगे 2 और यहाँ पे 9 है रूट से बाहर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 3, यानी 3 दुना के 6 अंडर रूट में कितना आ जाएगा 17, यानी पी क्यू की लंबाई कितनी आ जाएगी 6 अंडर रूट 17। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है देखिए, आप लोग इस सवाल को लगाने में ज़्यादा टाइम ले लेंगे। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, शॉर्ट अप्रोच क्या होगी, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए कुछ लोग, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कुछ लोग लिखेंगे 15 पुरुष प्लस 21 मान लीजिए फीमेल हो जाएंगे और गुणे क्या कर देंगे 56। देखिए ये पूरा डाटा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, सीधे सीधे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए अपने दिमाग में ओरली इसको क्या कीजिए कटा दीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 15 आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 21 दिख रहा है, यहाँ पे 12 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है देखिए 4 दिख रहा है ना, सॉरी 24 है, 24 दिख रहा है। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे 56 दिन दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया गया है 64 दिन दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना चाहिए, तो आप लोग ऐसे इस सवाल को समझिए। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 से काटेंगे 3 5 15 मतलब 5 हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बार 7 बार में, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा यहाँ पे 4 बार में, इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में 8 बार में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 64 है, अगर 56 को डिवाइड करना रहेगा देखिए तो 8 7 56 और 8 8 64, देखिए अगर दिन को डिवाइड करना है तो अलग से मतलब एक ही, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है ये दिन दिया है और यहाँ पर भी दिन है, तो इसको काटना है तो एक ही नंबर से डिवाइड करना है। तो देखिए 8 से काटेंगे तो यहाँ पे कितनी बार में चला जाएगा 8 8 7 56, यहाँ पे 8 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए ये 7 का 5 में गुणा कीजिए, 7 5 35 पुरुष, तो देखिए 7 5 तो 35 पुरुष यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर पुरुष कितने हैं 4 हैं, तो 8 4 32 32 पुरुष हो जाएंगे, इधर 35 पुरुष है, तो 35 में से अगर आप लोग 32 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा 3 3 पुरुष आ जाएंगे। ये इक्वल करना है किसके, तो आप लोग ऐसे समझे देखिए 7 7 49 49 महिलाएं हो गई है और यहाँ पे 8 8 8 64 क्या हो गई है महिलाएं हो गई है, 64 में से अगर आप लोग 49 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 15 ओमैन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैन और ओमैन का रेशियो कितना आ जाएगा, यानी मेल और सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/1 आ जाएगा, यानी इसकी इफिशेंसी कितनी आ गई है 5/1 आ गई है। तो देखिए यहाँ पे मैन की इफिशेंसी कितनी है 5 और महिलाएं की इफिशेंसी कितनी है 1, तो यहाँ से आप लोगों को क्या निकालना है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क निकालना है देखिए 15 5 यहाँ पे 75 और प्लस 21 अगर आप लोग जोड़ देंगे, 75 में 21 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 96 मिल जाएगा, यहाँ पे 96 और गुणे यहाँ पे आपको क्या करना है 56 करना है, ये टोटल वर्क आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग शॉर्ट अप्रोच में लगा सकते हैं, वरना अगर आप लोग लिख के लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमसे कितना काम करवाना है, तो देखिए ये 18 पुरुष और 24 महिलाएं, तो पुरुष की एफिशिएंसी ये कितनी है 5 18 5 90 और 90 में 24 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो ये 114 आ जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो देखिए अगर आप लोग इसको 6 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए जैसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 और 6 6 36 16 और नीचे अगर काट देंगे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हमसे समय बराबर पूछा गया है तो 16 56 में गुणा करेंगे तो 16 6 96 6 हासिल 9 16 5 80 89 कितना आ जाएगा 89, यानी 9 8 96 में कितना आ जाएगा 19, यही इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं 8 96 19 ये सवाल CGL में पूछा गया है, पहले भी बता दिया हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है कि इन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के
क्या लिखा गया है कि इन दो प्राकृतिक संख्याओं के घन अंतर का घन, अंतर का घन कितना दे दिया गया है 1728, जबकि गुणनफल कितना दे दिया गया है 108 दे दिया गया है। इन दोनों संख्याओं के दोनों, देखिए क्या लिखा गया, इन दोनों संख्याओं के घनों का योग पूछा गया है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। जैसे क्या दिया गया है एक्स माइनस वाई का ये क्या दे दिया गया है क्यू बराबर हमें कितना दे दिया गया है ये 1728 लिखा गया है। अब आपको क्या करना है, तो देखिए ये 1728 को अगर देख के आपके दिमाग में घंटी नहीं बज रही है तो आप लोग गलत डायरेक्शन में है ना। तो ये हमारा क्या है, देखिए ये 12 का हमारा क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। 12 का क्यू कितना होता है 1728, और यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए x माइनस वाई का q दे दिया गया है। तो सीधे कंपेयर कर देंगे तो ये कट जाएगा, आप लोग ऐसे समझिए x माइनस वाई बराबर आपको कितना दे दिया गया है 12 दे दिया गया है, और इसका गुणनफल मतलब एक्स वाई बराबर आपको कितना दे दिया गया है तो ये 108 दे दिया गया है। तो हम लोग हीट एंड ट्रायल लगाते हैं, यानी वैल्यू एज्यूम करके लगाते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले 108 कैसे आता है, देखिए एक तो होता है 12, 12 नवा हमारा कितना होता है 108 होता है, एक क्या होता है 18 छः के कितना होता है 108 होता है। अब देखिए लेकिन 12 और 9 का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे तो वैल्यू 3 आ रही है, लेकिन 18 और 6 का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो यानी देखिए हमसे जो दिया गया है x माइनस वाई बराबर 12, तो यानी सेकेंड वाली वैल्यू हमारी, इसको हम लेके सवाल को लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, देखिए 18 छः के 108 भी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बाद से 18 में से 6 कटा देंगे 12 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब है x बराबर आपको क्या लेना है, देखिए x बराबर आप लोगों को 18 ले लेना है और y बराबर क्या लेना है 6 लेना है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे 12, मतलब यहाँ से हमें क्या निकालना है, देखिए हमसे क्या पूछा गया है, इन दोनों संख्याओं के घनों का योग, घन का योग मतलब 18 का क्या करना है हमसे क्यू निकालना है। 18 क्यू प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 का क्यू। 18 का अगर आप लोग क्यू निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, बताइए कितना मिल जाएगा। इसका आ जाएगा आपका 58, ये 32 आ जाएगा। अब प्लस देखिए 6 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए 6 2 8 और 3 2 5, 8 2 10 और 5 1 6 60 कितना आ जाएगा, 1 मिनट 3 1 4 होगा ना, हाँ यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए 60 48। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 60 48 आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी कई बार पूछ चुकी है, आप लोग इसको भी समझिए। 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर के दो संकेंद्री वृत्त दिए गए हैं, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग एक सर्कल बनाइए, मान लीजिए ये हमारा बड़ा वाला सर्कल है और इसके बीच ये छोटा वाला, 1 मिनट गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है, इसको मैं मिटाता हूँ। मैं अच्छे से आपको एक सर्कल यहाँ इससे बना के दिखाता हूँ। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा, ये बड़ा वाला और ये छोटू सा सर्कल ये हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। तो ये सर्कल हो गए हैं बस। अब देखिए चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, जो बड़े वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त की हमारे क्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ऐसे जा रहा है ना, आप लोग ऐसे समझिए। ये मान लेते हैं ये हमारा पी है और ये हमारा क्या है क्यू है। अब यहाँ पे कहीं पे इन दोनों का सेंटर होगा, देखिए सेंटर से जैसे अगर आप लोग यहाँ पे मिला देंगे ये छोटे सर्कल की रेडियस, और इसको जैसे फर्दर यहाँ से मिला देंगे ये बड़े सर्कल की रेडियस। अब आपको एग्जाम में ये थोड़ी है कि आप लोग फिगर बनाएंगे, सीधे सीधे इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको बस याद रखना है कि ऐसे फिगर रहता है और ऐसे यहाँ पर बनता है, ये छोटू सर्कल की रेडियस है इधर वाली और इधर वाली बड़े सर्कल की रेडियस है। देखिए यहाँ पर कितना दे दिया गया है, छोटू सर्कल की रेडियस ये 13 और ये क्या दे दिया गया है 15। देखिए टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब जो 15 दिया है क्या है हमारा हाइपोटेनियस है, और इधर P है हमारा, इधर Q है, मान लेते हैं EM है। तो सबसे पहले हम लोग PM का मान निकालेंगे, तो PM बराबर हमें कितना मिल जाएगा, देखिए PM बराबर अंडर रूट में क्या आ जाएगा हमारा, ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे 225 और 13 का स्क्वायर 169। जैसे इसको अगर आप लोग 225 में से 169 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 56 मिल जाएगा। अंडर रूट में कितना आ जाएगा 56, और 56 को क्या लिख सकते हैं 8 साथे 56, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 4 लिख सकते हैं। अगर 4 को बाहर निकाल देंगे तो देखिए ये यहाँ पे यम मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ओ है, तो ये पीएम की लेंथ कितनी आ जाएगी, पीएम की लेंथ आ जाएगी 2 अंडर रूट, ये 14 आ जाएगा। तो टोटल हमसे क्या पूछा है, देखिए पी क्यू बराबर पूछा है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 × 4 और 4 अंडर रूट में कितना आ जाएगा 14। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा
चार अंडर रूट में 14। तो देखिए एग्जाम हाल में आपको क्या करना है, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको एज्यूम कीजिए, आप लोग इसको देखते रहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर फिगर बनाएंगे तो देखिए जितना अगर आप लोग कलम चलाएंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा ना, तो एग्जाम में एक एक सेकेंड का भी महत्व होता है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस टाइप का SSC हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है, तो एक DI का क्वेश्चन भी ले लिया हूँ जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत बताइए दशमलव के दो स्थानों तक। अब आप लोग देखिए इसको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हितांश कहाँ लिखा गया है, ये हितांश यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे 100 में से है, यहाँ पे 150 में से 70 पा रहा है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 75 है। तो देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दीबाजी में क्या करेंगे, 67 ये 70 ये 64 ये 55 और ये क्या कर देंगे 100, इसको जोड़ देंगे। लेकिन हमें देखिए हमेशा परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किया जाता है, 100 पे। तो हर जगह तो 100 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम लोग 100 बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, 150 का, देखिए 150 का 70% आपको ज्ञात करना है। तो ये 00 से परसेंटेज कट जाएगा, 15 सात कितना आ जाएगा, यहाँ पे 105 आ जाएगा, 105 यहाँ पे हो जाएगा नंबर। यहाँ पे क्या करना है आपका, ये 67 है, उसके बाद से यहाँ पे 64 है, और यहाँ पे क्या है 55 है, और इसके नीचे आपको क्या है 75 है। जैसे अगर आप लोग इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 366 आ जाएगा। और टोटल देखिए ये 100 200 300, ये 400 और ये 150 अगर आप लोग ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 550। मतलब ये 366 में से ये 550 क्या करना है, डिवाइड करना है, गुणे क्या करना है, 100 करना है। देखिए ये 0 से ये 0, अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 11 और 5 दुना के 10, देखिए 6 दुना के 12 और 36 दुना के 72 एक 73, यानी 732 भागे 11 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 66.6। ये 66.6 कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को इसलिए ले लिया हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है। तो चलिए आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा गया है D और E आर पॉइंट ऑन द साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, ट्रेंगल ABC सच डैट DE जो है पैरेलल है किसके, BC के, एंड AD और BD रेशियो कितना दे दिया गया है, 7:9 दे दिया गया है, और CD और BE इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया DEF एंड द CEF का एरिया का रेशियो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए, ये मान लीजिए आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रेंगल हो जाएगा। ये ट्रेंगल आपको कितना दे दिया गया है, A है, और यहाँ पे आपका B हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसी के समांतर एक लाइन हमारी ये क्या है, हमारी ये D है, और ये क्या है, E है, जो DE है, देखिए ये DE है जो BC के समांतर है। तो इसका रेशियो कितना दे दिया गया, देखिए AD और BD, AD आपका कितना दे दिया गया है, ये 7 दे दिया गया है, और BD कितना दे दिया गया है, 9 दे दिया गया है। अब हमसे एरिया किसका पूछा है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए हमसे पूछा गया है DEF एंड CBF का एरिया, और आगे एक लाइन दिया गया है, देखिए CD और BE एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेदित करती हैं, CD और यहाँ से देखिए यहाँ से एक लाइन जा रही है ऐसे, और एक लाइन यहाँ से क्या जा रही है, ऐसे जा रही है। सोचिए एक दूसरे को F पे, मतलब कलम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे F आपका पॉइंट है ना, आप लोग समझ जाइएगा यहाँ पे F होगा। तो देखिए सबसे पहले जो DE है BC के समांतर है, तो थेल्स थ्योरम अगर आप लोग लगाएंगे तो ये टोटल लेंथ 9, और यहाँ पे देखिए AD 9 है, BD आपका क्या है, AD 9 है, और BD आपका 9, सॉरी AD आपका 7 है, BD आपका 9 यूनिट दे दिया है, तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो देखिए तो ये वाला ट्रेंगल आप लोग देखिए हमसे क्या पूछा गया है, DADE का एरिया। तो देखिए एरिया जो होता है साइड का स्क्वायर होता है, तो ये 7 है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा आपका, ये 49 आ जाएगा। अब देखिए अगर DEBC के समांतर है तो AB आपका कितना आ गया है, 16, तो इधर वाला भी 16 आ जाएगा थेल्स थ्योरम से, और BC की लंबाई कितनी आ जाएगी, ये भी 16 आ जाएगी। कैसे, तो थेल्स थ्योरम आप लोग लगाएंगे या CPCT लगा सकते हैं, वही बात है, दोनों चीज़ एक ही बात है, या BPT लगाइए, सॉरी, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होती है तो यही नियम अप्लाई होता है। तो देखिए BC के सामने वाले ये साइड इतना है, तो इसका एरिया, इस वाले का एरिया पूछा गया हमसे, बीच वाले का कितना आ जाएगा, सीधे DE का एरिया यहाँ से आ जाएगा 49, और इसका एरिया आपका 16 का स्क्वायर कर देंगे 256। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 49:256, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
चलिए देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए चोर पुलिस वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए लिखा गया है, एक चोर ने एक पुलिसकर्मी ने 210 मीटर की दूरी से देखता है, जबकि पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है, चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की गति क्या है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर को पकड़े जाने से कितनी दूरी दौड़ चुका होगा। मतलब ऐसे समझिए, चोर पकड़े जाने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग इस सवाल को पढ़े होंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, देखिए टाइम सेम दिया है। टाइम आपका कितना दे दिया गया है, सेम दे दिया गया है। जब टाइम सेम दिया रहता है तो आपको याद रखना है क्या, जो स्पीड का रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो होता है। या तो ऐसे समझ लीजिए या तो आप लोग ऐसे समझिए, जब टाइम सेम रहता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है तो वो स्पीड का रेशियो हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर चोर है और यहाँ पर क्या है आपका, पुलिस है। तो सबसे पहले देखिए स्पीड इन लोगों का कितना दे दिया गया है, भैया चोर की स्पीड है 25 दे दिया गया है और पुलिस की स्पीड कितना दे दिया गया है यहाँ पे, 32 दे दिया गया है। तो डिस्टेंस क्योंकि टाइम सेम है तो डिस्टेंस का अगर रेशियो निकाल देंगे तो यही कितना आ जाएगा, 25 रेशियो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, देखिए एक चोर एक पुलिस को 210 मीटर की दूरी पर देखता है, यहाँ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 32 में से अगर 25 घटा देंगे कितना है, 7 यूनिट बराबर यही आपको कितना दे दिया गया है, 210 दे दिया गया है। तो एक यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमसे 25 यूनिट बराबर पूछा है तो 25 यूनिट बराबर 25 दिया 75, 750 मीटर आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा है, यहाँ पे 32 किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पे मीटर में आप क्या कर दिए हैं, क्यों डिवाइड आप तो चेंज भी नहीं किए हैं। तो देखिए यहाँ पे जब भी अगर यहाँ पे अगर आप लोग चेंज करेंगे वो चीज़ क्या हो जाएगी, रेशियो में है तो डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए मैं चेंज नहीं किया हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आप लोग इस पे गौर कीजिए, यही चीज़ आपको स्पीड बढ़ाने में काम आएगी। तो चलिए इसको भी आप लोग देखिए, देखिए क्या लिखा गया है, सुरेश और अनिल एक विशेष परियोजना पर काम कर रहे हैं, सुरेश को कंप्यूटर का 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं और जबकि अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, यदि वे दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज का असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए भी मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, आप लोग ऐसे समझिए। देखिए सुरेश क्या कर रहा है, 5 घंटे में 40 पेज टाइप कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 8 करेगा। उसी प्रकार देखिए अनिल क्या कर रहा है, 6 घंटे में 32 पेज टाइप कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 16/3 कर देगा। अब दोनों लोग मिल जाएंगे, सुरेश प्लस अनिल मिल जाएंगे तो 8+ आप लोग 16/3 कर देंगे, तो देखिए 8 × 3=24 और 24 में अगर आप लोग 16 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 40/3 आ जाएगा। अब देखिए यही दोनों मिल के 110 पेज को टाइप करने में कितना समय लगेगा, तो आपको सीधे सीधे देखिए क्या करना है, 110 लिखना है और यहाँ पे 40 और ये 3 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 0 से 0 और 11 × 33/4। अब हमसे क्या पूछा गया है कितना समय लगेगा, अगर देखिए 4/32 और यहाँ पे 8 घंटा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 मिनट का समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए इस सवाल को और भी तरीका है, यहाँ से आप लोग देखिए इसको ऐसे भी करके लगा सकते थे, यहाँ पे मान लीजिए 40 लीजिए, यहाँ पे 32 लीजिए, फिर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 160 आ जाएगा, फिर इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, पुनः इस 5 का इसमें गुणा करेंगे, फिर 6 का इसमें गुणा करेंगे, तो उस तरह करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इस सवाल को अगर बेस्ट अप्रोच बोला जाए तो यही है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए यहीं तक क्वेश्चन लिया हूँ और ये जितने भी क्वेश्चन हैं समझ जाइए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको इसी टाइप के सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार। देखिए लिखा गया है, एक खुदरा विक्रेता ने 92,000 रुपये वाले मूल्य वाले एक एयर कंडीशन को बेचने पर 30% की छूट की घोषणा की। एयर कंडीशन का क्रय मूल, देखिए क्रय मूल अंकित मूल्य से 70% कम है, यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर सदस्य कार्ड का प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान किया जाता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, देखिए सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ और सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ, हमें लाभ का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपका ये सीपी है, सीपी मतलब क्या हो जाएगा, क्रय मूल,
और यहाँ पे आपका क्या है एम पी है, उसके बाद से यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एस पी आ जाएगा। देखिए यहाँ से आप लोग ऐसे समझिए, जैसे सी पी से अगर आप लोग कुछ मार्कअप करते हैं, ये मान लीजिए मार्कअप कर रहे हैं एम परसेंट मार्कअप करते हैं, तो आपको क्या मिलता है एम पी मिलता है। एम पी मतलब क्या होता है तो अंकित मूल्य होता है। और यहाँ से अगर आप लोग कुछ डिस्काउंट देते हैं, ऐसे समझिए यहाँ पे अगर आप लोग कुछ डिस्काउंट देते हैं तो आपको क्या मिलता है एस पी, और एस पी मतलब क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए अगर सी पी से अगर आप लोग कुछ बढ़ाते हैं, समझ जाइए मान लीजिए प्रॉफिट देते हैं, तो ये आपको क्या मिलता है एस पी मिलता है। तो बस इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि देखिए अगर एम पी से अगर कुछ डिस्काउंट देंगे तो हमें क्या मिलेगा एस पी मिलेगा, और सी पी से अगर हम लोग कुछ प्रॉफिट यानी इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एस पी मिलेगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा सी पी और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा एम पी आ जाएगा, एम पी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एयर कंडीशन को बेचने पर 70% की छूट की घोषणा की 70%। तो मान लीजिए आपका देखिए एम पी कितना है 100 यूनिट है, ये मान लीजिए हमारा क्या है ये एम पी है। देखिए ये आपका क्या है एम पी, एम पी मतलब अंकित मूल, अंकित मूल पर क्या बोला गया है 30% का डिस्काउंट दिया जाता है। सोचिए यहाँ से अगर आप लोग 30% का क्या देंगे डिस्काउंट दे देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एस पी मिलेगा, एस पी यहाँ से 30% का डिस्काउंट दे देंगे तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा 70 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, एयर कंडीशन का क्रय मूल अंकित मूल्य से 70% कम है, मतलब यहाँ से ये जो सीपी है देखिए ये 70% कम हो रहा है। 70% का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा इस बॉक्स में जो आएगा ये कितना आ जाएगा आप लोग देख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। देखिए ये अंकित मूल्य से सीपी हमारा 70% कम है मतलब 30 है। अब आगे क्या बोला गया है, देखिए यदि खरीदार, कलम चेंज कर देता हूँ जिससे कि आप लोग कन्फ्यूजन में ना हो, देखिए लिखा गया है यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर सदस्यता कार्ड का प्रस्तुत करता है तो उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो हमसे पूछा गया है देखिए सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ और बिना सदस्य कार्ड, सॉरी सदस्य कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम लोग जब कार्ड यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 40 का हो रहा है ना, क्योंकि देखिए ये आपका सीपी है और ये एसपी 70 रुपये है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 40 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप लोग सोचिए यहाँ से अगर ये जो लड़का है या विक्रेता है आप लोग ऐसे समझिए, यहाँ से आपको क्या दिया जाए, अगर ये सदस्य कार्ड का यूज कर लेता है तो इसको 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, 20% का मतलब 70 का अगर आप लोग 20% निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 14 आ जाएगा। तो 70 में से जैसे 14 घटा देंगे तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको 56 रुपये आ जाएगी, ये आपका क्या आ जाएगा एस पी आ जाएगा यानी न्यू एस पी। समझिए मैं अभी आपको समझा देता हूँ कैसे डायरेक्ट लिया हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए जैसे यूज कर लिए तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में आप लोगों को कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है भैया 26 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ से आप 70 में से कैसे यहाँ पे 20% इसका, सॉरी 70 का 20% निकाल दिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे एम पी 100 रुपया है, अब बोला गया है एक डिस्काउंट 30% का दे दिए, आप लोग ऐसे समझिए 30% का यहाँ पे डिस्काउंट दे दिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70, और पुनः इस पर अगर डिस्काउंट हम लोग किसका देंगे 20% का डिस्काउंट देंगे तो यहाँ से क्या कर देंगे -14 आ जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ ना, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बना तो थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, तो ये कंसेप्ट अगर आपको आता रहेगा तो इस सवाल को आसानी में लगा सकते थे। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, क्या करना है 26 और बटा में यहाँ पे 40 करना है और गुणे हम लोग क्या कर देंगे 100 कर देंगे। देखिए 0 से ये 0, 2 से काट देंगे 2 दुना के 4 और 5 से काटेंगे 2 5 10, सॉरी 2 5 10, 2 दुना के 4 और 10 को काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पर कितना जाएगा 13 और 13 5 कितना आ जाएगा 65%। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 65%। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग समझिए ये भी क्वेश्चन मैं बता दूं, देखिए सीजीएल में पूछा गया है ना। देखिए क्या लिखा गया है, सुहास गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या लेता है जो मूल
भाज्य से 10% कम थी। वह गलती से भाजक के रूप में भी एक संख्या लेता है जो मूल भाजक से 20% कम थी। यदि प्रश्न हल करने पर सही भागफल कितना था, 24 था, और शेष हमारा क्या है, 0 है, तो उसे मानते हुए गणना कीजिए कि कोई त्रुटि नहीं है, तो सुहास ने कितना भागफल प्राप्त हुआ। देखिए सुहास को कितना भागफल प्राप्त हुआ। तो देखिए इस सवाल में भी आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, भाज्य लिखा गया है, ये आप लोग समझिए ये ओल्ड भाज्य है, और यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ये भाज्य, ये हमारा क्या है, न्यू वाला है ना। अब देखिए क्या बोला गया है, जो मूल्य भाज्य है 10% कम थी। देखिए लिखा गया है सुहास गलती से भाज के रूप में एक वह संख्या लेता है जो मूल भाजक से 10% कम थी। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब यहाँ पे आपका सोचिए यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10% कम है तो एक यहाँ से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए भाजक के रूप में, तो आप लोग यहाँ पर इसको लीजिए भाजक, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ओल्ड वाला हो जाएगा, और ये भाजक आपका क्या आ जाएगा, ये आपका न्यू वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, न्यू। अब देखिए 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी ये 5 है तो ये क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, तो एक कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन हमसे आगे बोला गया है, देखिए यदि प्रश्न को हल करने पर सही भागफल कितना है, 24, लेकिन यहाँ पर सोचिए जैसे अगर इसको 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन हमें तो 24 लाना है, तो हीट एंड ट्रायल यहाँ पे लगाएंगे। देखिए अगर आप लोग एक्स मान के लगाएंगे तो उस तरह ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। और देखिए हीट एंड ट्रायल से आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हमसे बोला गया है भागफल कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे भागफल हमारा बन रहा है 24 बन रहा है, तो सोचिए अगर इस साइड हम लोग 12 से गुणा कर देते हैं और इधर भी हम लोग क्या कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे, जैसे 12 से गुणा करेंगे तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 12 दहा के 120 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 12 नवा कितना हो जाएगा आपका, 108 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे अगर 5 को क्या कर देंगे, 120 को 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भागफल आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसका मतलब जो हम लोग एज्यूम वैल्यू किए हैं वो क्या है, हमारी सही है, हीट एंड ट्रायल से देखिए आ रहा है, समझ रहे हैं। और उसके बाद से जैसे ही ये 4 से अगर 108 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर 27 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यही इस सवाल का बेस्ट अप्रोच है लगाने के लिए। बाकी अगर आप लोगों को कोई अच्छा तरीका आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का मोस्ट वेलकम है। तो चलिए आइए अगले सेशन पे हम लोग चलते हैं। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन भी आ रहे हैं, देखिए क्या लिखा गया है, दो व्यक्तियों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ विपरीत दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू किए। अब आगे बोला गया है, देखिए यदि वृत्ताकार पथ की परिधि कितने की है, 100 मीटर की है, तो ज्ञात कीजिए कि वह कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे। तो देखिए इस सवाल को भी लगाने के लिए बेस्ट अप्रोच आपका क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोग ऐसे एक कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट आपको क्या समझना है, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका ये वृत्ताकार आपका ट्रैक है, ठीक। अब सोचिए अगर मान लीजिए दो लोग हैं, ये हमारे ए है, मान लीजिए इसकी चाल क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति हमारा क्या है, दूसरा व्यक्ति है, मान लीजिए बी है, देखिए बी की चाल आपका क्या हो जाएगा, ये भी मीटर प्रति सेकंड में। आप लोग ऐसे समझिए, मान लीजिए ए जो है इसको हम लोग क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, मान लीजिए 1 ले लेता हूँ। देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब भी सेम डायरेक्शन में जाएंगे, जब आपसे पूछा जाए कि वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे, तो यहां से मान लीजिए देखिए ए की स्पीड में क्या ले लिया हूं, 2 मीटर प्रति सेकंड, और बी की स्पीड में क्या ले लिया हूं, 1 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, देखिए स्पीड रेशियो ए का है 2, और यहां पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस इन दोनों को क्या कर देंगे, जैसे सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो इन दोनों का आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, समझिए डिफरेंस लेना है, तो कितना आ जाएगा, 1। तो वे अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे ना, एक बार पार करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, एक दूसरे को पार करेंगे, वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे, तो एक बार ये पार करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यही चीज़ आपको देखिए, जैसे मान लीजिए वृत्ताकार ट्रक है और एक व्यक्ति ए इधर जा रहा है और दूसरा व्यक्ति आपका क्या जा रहा है, इस साइड जा रहा है, विपरीत में जा रहा है, तो इनका अगर आप लोग स्पीड रेशियो निकालेंगे
मान लीजिए ए की स्पीड आपको 4 दे दिया जाए और बी की स्पीड कितना दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए। तो यहाँ पे आपको लेना है, देखिए 4:5 क्या लेना है, 5 लेना है, और इन दोनों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये 9 बिंदुओं पर एक दूसरे वे अलग अलग बिंदुओं पर 9 बार मिलेंगे ना, ऐसे समझिए। तो बस आपको ये अगर कंसेप्ट आएगा तो इस सवाल को आप लोग आसानी वे में लगा सकते थे, वरना इस सवाल में ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड रेशियो कितना दे दिया गया है, देखिए 20:0 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, सीधे सीधे हमारा कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, देखिए विपरीत दिशा में है, तो विपरीत जब विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 5 इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 5। वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे, तो वे 5 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार कर सकते हैं। तो यही इस सवाल का राइट आंसर है और यही इस सवाल को बेस्ट अप्रोच है लगाने का। बाकी अगर आपको अच्छा तरीका आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए। लिखा गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 12 दे दिया गया है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 50 दे दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। अब देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2, और कोष्ट में क्या आ जाएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद से अगले कोष्ट में आपको क्या मिलेगा, अगले कोष्ट में मिलेगा 3, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। उसके बाद से माइनस, ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी, ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। जस्ट आपको इसमें वैल्यू रख देना है, तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 1/2, और a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे दिया गया है, 12 दे दिया गया है। कोष्ट में देखिए यहाँ पे 3 और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ पे कितना है, 50 दिया गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। माइनस देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे दिया गया है, 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 144। अब 2 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 6 × देखिए 5 का 3 में गुणा करेंगे 15, यहाँ पे 10 है, तो 150 में से 144 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6। यानी इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यही इस सवाल का बेस्ट अप्रोच है। अगर आप लोग देखिए इस सवाल को वैल्यू पुटिंग लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल दे दिया गया है और 2 इक्वेशन दिया गया है। तो अगर सी बराबर सोचिए, अगर आप लोग 0 ले लेते हैं, सी बराबर जैसे 0 लेंगे तो देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी टर्म कैंसिल आपका हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए कुल मिलाकर ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा। तो इसमें देखिए 12 का फिर क्यों करना पड़ेगा, तो इस तरह जाके थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यही आप लोग इसको याद रखे रहिए, यही बेस्ट अप्रोच है इस सवाल को लगाने के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आइए इसका भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, प्रवेशिका पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं, निकासी पाइप सी जब अकेले खोला जाता है तो उसे तो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब देखिए ए और बी भरने वाले पाइप है और सी क्या कर रहा है, उसको खाली करने वाला है। जब अकेले पाइप ए और सी को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को 6 घंटे में भर जाता है। तो पाइप बी द्वारा अकेले खोले जाने पर खाली टैंक को भरने में लगा समय आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल बहुत बेस्ट सवाल है और इस सवाल को लगाने के लिए बेस्ट अप्रोच मैं आपको क्या बताऊं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग देखिए ए और बी है, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, ए प्लस बी लेना है। ये कितना दे दिया गया है, 1.5, और सी हमारा क्या है, देखिए सी निकालने वाला है, पानी निकाल रहा है, कितने में, 4.5 घंटे में, यहाँ पे 4.5 लिख देता हूँ। और यहाँ पे ए प्लस सी पुनः ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भरने वाले हैं कितने घंटे में, 6 घंटे में। अब तीनों का आप लोग क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए अगर आप लोग 18 लेंगे तो देखिए 15 और 12 का गुणा करेंगे तो 180 होता है, तो पॉइंट है तो ये कट जाएगा। तो मतलब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो इसकी एफिशिएंसी 12 आ जाएगी। देखिए 45 × 90, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। सी क्या है हमारा, खाली कर रहा है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आप लोगों को देखिए क्या थोड़ा सा यहाँ पर देखिए
अगर आप लोग इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आप लोग फंस सकते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे आप लोग सोचिए। सबसे पहले यहाँ पे फोकस कीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ए प्लस सी दिया गया है। ए प्लस सी बराबर हमें कितना मिल गया है, थ्री मिल गया है। लेकिन सोचिए ये थ्री कैसे आया होगा, अगर सी यहाँ पर खाली कर रहा है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो माइनस चार होगा। तो हीट एंड ट्रायल आप लोग एक मिनट ऐसे समझिए, हीट एंड ट्रायल जैसे लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सात आ जाएगा, क्योंकि सात में से अगर चार घटा देंगे तभी तो हमारा प्लस में वैल्यू आएगी, आ जाएगी ना, और कोई तो जरिया है नहीं यहाँ पे। अगर आठ ले लेंगे तो चार बच जाएगा। तो अगर आप लोग सोचिए यहाँ पे हीट एंड ट्रायल से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए की इफिशेंसी कितनी आ गई है, सात आ गई है। जब ए आपका सात आ गया है तो बी यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, क्योंकि सात प्लस पाँच देखिए मिल के बारह यूनिट हो रहा है, और सी बराबर आपको चार दे दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा गया है पाइप बी द्वारा अकेले खोले जाने पर खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टोटल वर्क आपका कितना दे दिया गया है, 18। अब इसको 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 5 तिहाई 15, 3 18, और यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर आप लोग सोचिए इसको बदल देते हैं, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। मतलब आपको क्या करना है, 3 घंटा 12 तिहाई 36 मिनट में ये क्या हो जाएगा, बी इसको भर देगा। या तो आप लोगों का आंसर ये 3 घंटा 36 मिनट हो जाएगा, या यहाँ पर भी ये सवाल सॉल्व हो गया है ना, थोड़ा सा हुचकी आ रही है कोई बात नहीं, सॉरी। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आइए हम लोग करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या लिखा गया है, एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपये थी और उसका मासिक खर्च देखिए 45,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि और उसके खर्च में 8% की वृद्धि हो गई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि आपको दशमलव के दो स्थानों तक ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। अगर आप लोग इसको शॉर्ट अप्रोच में लगाना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर भी 3 जीरो है तो 3 जीरो से ये 3 जीरो डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर भी 3 जीरो है तो ये भी कट जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा, इनकम बराबर क्या होता है, तो इनकम बराबर होता है आपका देखिए एक्सपेंडिचर प्लस ये क्या होता है, सेविंग होता है। इनकम आपकी कितना है, 80 यूनिट है, ऐसे सोचिए। खर्च कितना कर रहा है, 45, सोचिए इसका इनकम कितना है, 80 रुपये, आप लोग रुपए में लीजिए। इनकम कितना है, 80 रुपये, खर्च कितना कर रहा है, 45 रुपये, तो सेव कितना करेगा यहाँ पर, 35 रुपये सेव करेगा। और बोला गया है देखिए इसकी आय यानी इनकम हमारी 16% बढ़ जाती है, और इसका हम लोग क्या निकालेंगे, 16% निकालेंगे तो देखिए ये जीरो से परसेंटेज का एक जीरो कट जाएगा, नीचे एक जीरो बचा है, और 16 आठ क्या करना है, 128 होता है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12.8 आ जाएगा। अब यहीं पर देखिए यहाँ से ना कुछ लोग क्या करेंगे, 80 में 12.8 ऐड करेंगे तो वो सब चीज़ करेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वो चीज़ नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट जितना इंक्रीज हो रहा है इसको लिखिए। उसके बाद से इसका हमें क्या निकालना है, तो देखिए इसका हमें कितना बढ़ रहा है, 8% खर्च में वृद्धि हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए सबसे पहले 40 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 320, और 5 8 40, 320 में अगर 40 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 360, और 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हो गया है, 3.6 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो 12.8 में से 3.6 जैसे घटा देंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.2 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया, देखिए सेविंग में परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9.2, और बटा में हमें क्या करना है, यहाँ पर 35 करना है, और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, बस यही अप्रोच है। अब क्या कर देंगे, अगर 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए 5 7 35, इसको काट देंगे यहाँ पे 20 बार में, इसका 10 में इधर गुणा कर देंगे और 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दुना के 4 और 9 दुना के 18 यानी 184/7। जैसे इसको अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 26.29% इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग ये अप्रोच लगाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी वे में आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं, आप लोग देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं लिया हूँ। देखिए लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एंड जीरो एक्स का मान क्या होना चाहिए, जीरो और वन के बीच में होना चाहिए। तो हमें निकालना है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में वन अपान एक्स, एक्स प्लस वन अपान एक्स, अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, x माइनस वन अपान एक्स आ जाएगा। अब देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, अगर x से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए x प्लस वन अपान एक्स बराबर यहाँ पे कितना मिल जाएगा, सात मिल जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, तो आप लोग ऐसे समझिए, देखिए x प्लस वन अपान एक्स बराबर अगर आपको k दे दिया जाए और आपसे क्या पूछा जाए, x माइनस वन अपान एक्स का मान पूछा जाए, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे होता है k स्क्वायर और यहाँ पे कितना होता है, माइनस फोर होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखिए x माइनस वन अपान एक्स निकालना पड़ेगा, तो अंडर रूट में करेंगे, सात का स्क्वायर कितना आ जाएगा, उनचास, इसमें से चार घटा देंगे तो यहाँ पे हमें रूट में कितना मिल जाएगा, देखिए रूट में पैंतालीस मिल जाएगा। इसको जैसे बाहर निकालेंगे तो जैसे रूट से कोई भी संख्या बाहर निकलेगी क्या आएगी वैल्यू, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पे थ्री बाहर आ जाएगा, फाइव अंडर रूट में फाइव आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो मान मिला है, एक तो मिला है प्लस वाला, एक दूसरा क्या मिला है, माइनस वाला, तो हमें प्लस वाले लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कंडीशन क्या बोला गया, देखिए कंडीशन दिया गया है यक्स का मान जीरो और वन के बीच में होना चाहिए, तो प्लस वाला ले लेंगे तो बड़ा आ जाएगा, तो ये प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको नहीं लेना है। देखिए प्लस वाली वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, ये वाला इसको लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर इसका मान अगर आप लोग निकालेंगे, यहाँ पे कितना आ गया है, सात, और यक्स माइनस वन अपान यक्स का मान कितना आ गया है, माइनस थ्री अंडर रूट फाइव आ गया है। तो जैसे गुणा कर देंगे तो सात तरीके इक्कीस, अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये पाँच आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। वन मिनट, एक दो क्वेश्चन छूट गया है क्या है, चेक कर लेता हूँ, लग रहा है छूट गया है, कोई बात नहीं है, उसको अगले वीडियो में करवा दूँगा, क्योंकि दो पार्ट बनाया हूँ इसका, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा ना। चलिए देखता हूँ, एक क्वेश्चन छूट गया है, कोई बात नहीं है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी वो भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सवाल था, उसको एग्ज़ाम में जानते हैं 10% लोग सॉल्व किए थे, तो उसको मैं कल करवा दूंगा, कोई बात नहीं, इसको भी आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा गया है, आदित्य 11,000 रुपये में 300 आम खरीदता है और इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं जिन्हें फेंक दिया जाता है, और शेष आम को, देखिए शेष आम को 5 रुपये प्रति आम की दर से बेचा जाता है, तो 150 रुपये का लाभ अर्जित होता है, 150 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए मान लेते हैं सड़ा हुआ आम कितना है हमारा, यक्स है, तो कितना फेंका गया, देखिए टोटल तो हमारा 300 है, इसमें से यक्स इतना फेंका गया है, ये क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, और इसको 5 रुपये में बेच रहा है, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दाम तो 1100 रुपये है, सोचिए 1100, और इसमें प्रॉफिट कितने का है, 150 का, ये ऐड कर देंगे। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आया, तो आप लोग ऐसे समझिए, देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, प्रॉफिट आपका कितने का है, 150 का है, 150 का है ना। अब देखिए एसपी क्या मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सड़े हुए आमों की संख्या यक्स है ना, यहाँ पे यक्स माने हैं, जैसे इसमें से 300 से ये घटा देंगे कितना फेंका जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 300 माइनस यक्स, और इसको बेच रहा है 5 रुपये प्रति, क्या 5 रुपये प्रति आम की दर से बेच रहा है, और सीपी आपका कितना दिया है, देखिए 1100 यहाँ पे दे दिया गया है, तो वही चीज़ मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। तो जैसे अगर आप लोग इसको 5 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले इसको ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1250, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 × 10 और 25 250, यानी यक्स बराबर हमें कितना मिल गया है, 50 मिल गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, देखिए फेंके गए आमों का प्रतिशत, यानी यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, 50 बटा में क्या करना पड़ेगा, 300, ये 0 से 0, 5 × 6 = 30, मतलब 1/6, 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। लिखा गया है दिए गए चित्र में, ये रेड कलम कर लेता हूँ, देखिए दिए गए चित्र में BC एक जीवा है जो CD बिंदु C से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा है, A वो C बराबर इतना, तो हमसे ACD का मान पूछा गया है।
तो आप लोग ऐसे समझिए, देखिए ये ट्रेंगल, देखिए ये वाली ए सी ट्रेंगल ए बी सी में देखिए, देखिए वो इसका सेंटर हो जाएगा और ये डी सी हमारी क्या है, देखिए सी डी हमारी है आपकी स्पर्श रेखा है ना, टेंजेंट है। तो आप लोग ये सोचिए जो ए ओ की लेंथ होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, ये ओ सी की लेंथ हो जाएगी। मतलब ए ओ आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ओ सी भी रेडियस हो जाएगा। तो देखिए जैसे आप लोग ये ट्रेंगल पढ़े होंगे, आप लोग देखिए ये मान लीजिए ये हमारा एक ट्रेंगल है, मान लीजिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, समझ रहे हैं, तो इसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल x है तो इधर वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो डायरेक्ट वही कंसेप्ट लगा है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो सोचिए अगर हम लोग इसको x ले लेते हैं और यहां पर भी क्या बनेगा, x डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपको फोकस करना, देखिए ए वो सी में, ए वो सी में x प्लस x यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से मिलेगा 2x प्लस ये कितना आ जाएगा 112, और यही बराबर कितना आ जाएगा आपका 180। तो यहाँ से 2x बराबर निकाल देंगे तो 180 में से अगर आप लोग 112 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 68 मिल जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 3 6 2 4 8 यानी 34 डिग्री। x बराबर कितना आ गया, देखिए ये जो है x का मान हमें मिल गया है ये 34 मिल गया है। अब देखिए ये रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस, यहाँ पे कलम चेंज कर देता हूँ। देखिए ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, होता है ना। अब देखिए हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना पूछा गया, देखिए ए सी डी मतलब ए सी डी ये बीच वाला एंगल, समझ रहे हैं, ये छोटू वाला एंगल जो मैं रंग रहा हूँ आप लोग ऐसे समझिए, ये छोटू वाले एंगल को भाई साहब को हमें ज्ञात करना है। अब ये भाई साहब कैसे निकलेंगे, जब देखिए टोटल ये पूरा एंगल 90 है, 90 में से 34 घटा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। 90 में से जैसे अगर आप लोग 34 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 56। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए लिखा गया है एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है, यदि उसे लेन देन में 1064 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया है। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, आपको बेस्ट अप्रोच रेशियो आप लोग पकड़ लीजिए, उससे आप लोग सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 60%, 60% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो 60% को हम लोग लिख सकते हैं 3/5, और 10% को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, और 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। मतलब देखिए पहले ये 5 रुपये है तो ये बढ़कर कितना हो गया है, 8 रुपये हो गया है, और डिस्काउंट देने पर क्या है, पहले 10 रुपये का सामान था तो 1 रुपये कम हो गया है, कितना हो जाएगा, 9 रुपये। पुनः अब ये 20%, मतलब पहले 5 रुपये था, इसका दाम 1 यूनिट घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। अब टोटल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अब देखिए जैसे अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो गुणा करके डायरेक्ट लिखेंगे कितना आ जाएगा, 250, और यहाँ पे देखिए यहाँ से 9 8 कितना आ जाएगा, 72, 72 का 4 में गुणा कर देंगे तो देखिए 4 2 8 और 7 4 28, मतलब यहाँ से देखिए 250 रुपये का सामान है और आप लोग 288 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने रुपये का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर, 38 रुपये का, 38 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही 38 यूनिट बराबर, यही 38 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया था, 1064 दे दिया गया था। यहाँ से 1 यूनिट बराबर निकालेंगे, अगर 1 यूनिट बराबर आप लोग निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, जैसे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट बराबर 28 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, 250 यूनिट का मान पूछा गया है, तो जैसे 250 यूनिट का मान निकालेंगे 7000 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए लिखा गया है a³ + b³ + c³ - 3ab बराबर कितना दे दिया गया है, 405 दे दिया गया है, और a+b+c बराबर आपको 15 दे दिया गया है। हमसे a-b² + b-c² - c-a² देखिए इस सवाल को लगाने के लिए भी मल्टीपल अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच क्या होगा, तो सीधे डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है। अगर आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे तो इस सवाल को सेकेंडों में उड़ा सकते हैं, या तो वैल्यू अगर आप लोग पुट करेंगे तो देखिए 3 वेरिएबल है और दो इक्वेशन है। तो अगर आप लोग सोचिए अगर c = 0 पुट कर देंगे, c = 0 पुट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अब c = 0 करेंगे तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो इस तरह थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समझ रहे हैं।
अगर आप लोग कहेंगे कि आपको कैसे पता है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर आपको इसका फार्मूला आता है तब तो आप लोग इस सवाल को आसानी वे में लगा सकते थे, नहीं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इफ़र्ट लगाना पड़ेगा, सॉल्व तो हो ही जाएगा। तो चलिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए ए क्यू प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा बी क्यू प्लस यहाँ पे सी क्यू, माइनस क्या होता है तो माइनस थ्री ए बी सी होता है। यही इक्वल किसके हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले कितना आ जाएगा यहाँ पे वन बाई टू कोष्ट में ए प्लस बी, और ये प्लस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। अगले कोष्ट में आपका क्या आता है तो ए माइनस बी का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बी माइनस सी का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अगले कोष्ट में क्या आ जाएगा सी माइनस यहाँ पे ए का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका मान आपको कितना दे दिया गया है, इसका मान 405 दे दिया गया है। अब यही बराबर किसका है, तो 1/2 ए बी सी का मान आपको कितना दे दिया गया है 15, और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग के मान सकते हैं। अब देखिए 15 से जैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 15 दुना के 30 यहाँ पे 105, 15 सत्तर 105 27, तो यहाँ पे के बराबर कितना हो जाएगा 27 दुना के 54। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है ए और बी व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को क्रमशः 18 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने के 16 से ही 2/3 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। बी अकेले ही शेष कार्य पूरा कर लिया, तो ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। अब देखिए ये सवाल भी बहुत बेहतरीन लेवल का है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ए है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, और यहाँ पे बी किसी कार्य को 30 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हमें कितना लेना पड़ेगा 90। देखिए 18 × 5 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 30 × 3 कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। अब हमसे क्या बोला गया, देखिए ए ने कार्य पूरा होने के 16 से 2/3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो देखिए जब भी अगर कोई पहले कार्य छोड़ा जाए, तो आप लोग उसको ऐसे समझाइए कि देखिए भाई साहब अगर आप पहले कार्य छोड़ देंगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, तो वो बेचारा क्या करेगा कार्य को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखिए ए क्या कर रहा है, तो ए का मान कितना है 5 है, एफिशिएंसी इसकी 5 है, 16 × 48 = 50, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे 50, और जैसे 50/3 इसका गुणा करेंगे इसमें, तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से देखिए मिल जाएगा 250/3। ये इतने दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे समझाएंगे कि देखिए अगर आप पहले कार्य छोड़ देंगे तो पैसा नहीं देंगे, तो ये पैसे की डर से क्या करेगा बेचारा, कार्य को कम्प्लीट करेगा, सोचेगा तो पैसा नहीं मिलेगा तो काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से पुनः अगर आप लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो यही चीज़ यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो बस यहाँ पे ये करना था 250 और बटा में आपको क्या करना है 3 करना है, जैसे त्रिया गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 270 आ जाएगा, और 270 में 250 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 520/3। अब ये कार्य क्या कर देगा, देखिए जब दोनों मिल जाएंगे तो ए प्लस बी मिल के करेंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, देखिए 520/8 यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलेंगे तो देखिए 5 और 3 की एफिशिएंसी से 8 यूनिट कट जाएगा, यहाँ पे 8 यूनिट आ जाएगा ना, कटेगा नहीं सॉरी, यहाँ पे 8 यूनिट आ जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो 8 से काटिए, 8 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 8 × 6 कितना होता है 48, 8 × 6 = 48 यानी 4 × 5 = 40, यानी यहाँ से 8 से डिवाइड कर दें तो आपको कितना मिल गया है 65/3। ये इतने दिन में क्या हो जाएगा कार्य को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन हमसे पूछा गया देखिए ए कार्य को कितने दिन में ए ने कितने दिनों तक कार्य किया, भैया आपको क्या करना है ये 65/3 में से, अब ए यहाँ से इतने दिन पहले कार्य छोड़ रहा था 16 × 48 = 50, यहाँ पर क्या कर देंगे 50/3 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15/3 और 3 × 5 = 15, तो इस सवाल का राइट आंसर 5 आ जाएगा। ए ने 5 दिन तक कार्य किया था, उसके बाद क्या हो गया था छोड़ दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। लिखा गया है किसी धनराशि पर पहले 8 वर्ष के लिए इतने परसेंट, अगले 6 वर्ष के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्ष के लिए 6.5%,
की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज इतने रुपए है तो निवेश की गई राशि बताइए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नंबर लाइन बना लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे सॉल्व करना है। देखिए इस सवाल को भी लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, लेकिन अगर आप लोग बेस्ट अप्रोच लगाना चाहते हैं तो आप लोग समझिए। देखिए 8 वर्ष यहाँ पे दिया गया, उसके बाद से 6 वर्ष, अगला कितना दिया गया है 4 वर्ष, और टोटल 18 वर्ष यहाँ पे लिखा गया है। 8 × 6 = 14, 14 × 4 = 18। देखिए 8 वर्ष में ये कितना रेट है आपका, 7.25% रेट दे दिया गया है, और 6 वर्ष में 8.5% रेट दिया गया है, और ये 4 वर्ष में आप लोग देख सकते हैं 6.5% का रेट है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, देखिए 8 × 7 = 56 और 25 वाटे कितना होता है, 200 होता है, और ये परसेंटेज लगा है तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर दशमलव, सॉरी दो अंक पे दशमलव है ना, तो देखिए 8 × 7 = 56, 25 × 200, यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 58%, और प्लस उसी प्रकार देखिए 8 × 6 = 48 और 6 × 5 = 30, 48 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 51% आ जाएगा, और उसके बाद से प्लस करना है। देखिए 6 × 6 = 24 और 4 × 5 = 20, यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 26% मिल जाएगा। अगर आप लोग सोचिए इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 5, 5, 10, 10, 2, 12, 120, 8, 6, 14, 1, 15, मतलब ऐड कर देंगे तो आपको 135% बराबर आपको कितना दे दिया गया है ब्याज के रूप में। देखिए कुल ब्याज कितना है, 35,100 रुपया, तो सीधे सीधे 35 और ये 100 लिखिए, तो 1% बराबर अगर आप लोग यहाँ से निकालेंगे तो 1% बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 260 मिल जाएगा। तो हमसे 100% बराबर पूछा गया है, तो 100% बराबर निकाल देंगे तो 26 के मतलब क्या होता है, 1000 होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 26000 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। के मतलब आप लोग समझ जाइएगा, ये 1000 होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए यही तक क्वेश्चन मैं लिया हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। देखिए इसका पार्ट टू आएगा, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम 17 तारीख को है। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की। देखिए क्या लिखा गया है, पी और क्यू एक काम को 24 दिन में, और क्यू और आर उसी कार्य को 30 दिन में, जबकि पी और आर कितने दिन में, 40 दिन में कर सकते हैं। आगे बोला गया, देखिए यक्स जो है पी की तुलना में 4 गुना दक्ष है, और वाई जो है क्यू की तुलना में आधा दक्ष है, जेड आर की तुलना में 2.5 गुना दक्ष है। यदि एक्स वाई जेड एक साथ काम करे तो समान काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने लोग हैं, तो पी और क्यू 2 लोग हैं। देखिए ये किसी कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए क्यू और प्लस ये आर, ये किसी कार्य को कितने दिन में, तो ये 30 दिन में कर रहे हैं, और थोड़ा सा गला बैठ गया है। अब आगे क्या बोला गया है, देखिए क्यू और आर दिया गया है, क्यू और आर ये किसी कार्य को कितने दिन में, तो ये 40 दिन में। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। इन तीनों का अगर आप लोग एलसीएम निकाल देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 120 आ जाएगा। अब देखिए 24 से अगर 120 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में चला जाएगा, 24 × 5 कितना होता है, 120 होता है, और 30 × 4 कितना होता है, 120 होता है, और 40 × 3 कितना होता है, 120 होता है। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करना है, देखिए यहाँ पे P 2 बार है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा। देखिए P यहाँ पर 2 बार है, Q यहाँ पे 2 बार है, R यहाँ पे 2 बार है। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, जैसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2P + 2Q + 2R मिल जाएगा, और 2 सब में से कॉमन कर देंगे। अब इसको देखिए 5, 4, 9, 9, 3, 12, और 2 कॉमन कर दिए हैं, और 2 से 12 को जैसे डिवाइड कर देंगे, देखिए एक मिनट मैं लिख देता हूँ, जैसे 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो देखिए P प्लस क्यू और प्लस यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये R मिल जाएगा, ये R है ना, यहाँ पे R बनाया हूँ, और यही बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। जैसे इस 2 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, देखिए यहाँ पे हमारा आर था, और ये तीनों की इफिशेंसी कितनी आ गई है, 6 आ गई है। अब आपको क्या फोकस करना है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में बोला गया है यक्स जो है यक्स पी की तुलना में 4 गुना दक्ष है,
सबसे पहले हमें देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए पी का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद से क्यू का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद से यहाँ पे आर। देखिए बार बार ये क्यू को आर बना दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आर। इन तीनों की इफिशेंसी अगर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले पी क्यू, देखिए यहाँ पर पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू है, इन दोनों की इफिशेंसी कितना दे दिया गया है, पाँच दे दिया गया है। जैसे अगर हम लोग ये पी क्यू बराबर यहाँ पे क्या ले लेते हैं, पाँच लेते हैं, तो आर बराबर यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, वन लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये दो और ये पाँच और ये कितना हो जाएगा, छः, छः तीनों लोगों की इफिशेंसी कितनी आ जाएगी, छः। मतलब आर बराबर हमें कितना मिल गया है, तो आर बराबर हमें कितना मिल गया है, तो देखिए आर बराबर हमें मिल गया है वन यूनिट। आर बराबर कितना आ जाएगा, वन इफिशेंसी आ जाएगी। उसी प्रकार इसमें देखिए पी क्यू और आर, क्यू और आर की इफिशेंसी यहाँ पे कितना दे दिया गया है, तो दो दे दिया गया है। जैसे क्यू और आर यहाँ पे लेंगे, इसकी इफिशेंसी दो है, तो पी की इफिशेंसी कितनी आ जाएगी, तो पी की इफिशेंसी कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना दिया है, चार दिया गया, देखिए चार दिया गया है ना। क्यू और आर बराबर कितना दिया गया है, चार। देखिए यहाँ पे क्यू और आर की इफिशेंसी कितना है, चार दिया गया है। तो यहाँ से अगर पी बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। अब देखिए पी आर, इन दोनों की इफिशेंसी आपको कितना दिया गया है, तो तीन दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे अगर पी आर बराबर तीन लिखेंगे तो क्यू बराबर हमें कितना मिल जाएगा, थ्री मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स रेशियो लिखिए, यहाँ पे वाई, और रेशियो आपको क्या करना है, जेड लेना है। अब देखिए बोला गया है यक्स जो है पी की तुलना में चार गुना दक्ष है, मतलब पी का मान यहाँ पे कितना है, दो, तो यक्स का मान इससे चार गुना कितना आ जाएगा, यहाँ पे आठ आ जाएगा। रेशियो ले लेना है। देखिए आगे बोला गया है वाई जो है क्यू की तुलना में आधा दक्ष है, तो मतलब वाई यहाँ पे देखिए क्यू हमारा क्या है, क्यू हमारा थ्री यूनिट है, तो इसका आधा कितना आ जाएगा, ये डेढ़ आ जाएगा। उसके बाद से रेशियो, पुनः जेड का मान क्या बोला गया, देखिए जेड जो है, जेड आर से आर की तुलना में ढाई गुना दक्ष है, मतलब ये एक है, तो जेड हमारा कितना आ जाएगा, ये ढाई आ जाएगा। अब इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो देखिए आठ एक नौ और नौ दो ग्यारह, पाँच पाँच दस एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, बारह आ जाएगा। अब हमसे बस यही बराबर पूछा है, टोटल वर्क हमारा कितना है, 120, अब बटा में आपको क्या करना है, बारह। जैसे डिवाइड कर देंगे तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, दस। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, दस आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सवाल को आप लोग यही अप्रोच लगाइए, एग्जाम में यही तरीका बेस्ट रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। लिखा गया है एक चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, समान दिया गया है, और दोषपूर्ण वजन मशीन के कारण विक्रेता 15% लाभ अर्जित करता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य एक रुपया है और मशीन को क्या कर दी जाती है, बदल दी जाती है, तो 950 ग्राम के बजाय वो कितना 1000 ग्राम दिखाती है। तो लाभ हमें क्या पूछा गया, लाभ का समान प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य कितने रुपए होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा गला बैठ गया है, बाकी आप लोग अच्छे से समझते रहिए, बाकी बोली बीच बीच में चेंज हो जाएगी, कभी सही हो जाता है कभी सही हो जाता है। तो इस समय थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम भी हो गया है और गला थोड़ा बैठ गया है, तो आप लोग इतना एडजस्ट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है देखिए 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1000 ग्राम का आप लोग निकालिए सीपी, ये बराबर आपको कितना दिया गया है, यक्स दिया गया है। तो हमें क्या करना है, देखिए 950 ग्राम यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, 950 ग्राम का क्या निकालना पड़ेगा, सीपी। तो यहाँ से 950 ग्राम का निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यक्स गुणे 950, और बटा में आप लोग क्या कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, तो ये डिवाइड ये कट जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 95 यक्स, और बटा में कितना आ जाएगा, 100, ये क्या आ जाएगा आपका, सीपी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 15% का लाभ, देखिए क्या बोला गया है, जब वो दोषपूर्ण यहाँ पे लिखा गया, देखिए दोषपूर्ण वजन मशीन के कारण विक्रेता को 15% लाभ अर्जित करता है, तो लाभ हमेशा किस पे होता है, तो सीपी पे होता है। तो बस यहाँ पे आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, तो एसपी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 95 यक्स और गुणे आपको क्या करना है, 100, और इसका आपको क्या करना है, देखिए 15% का लाभ है तो 100 यहाँ पे 15 करना है, बटा में आपको क्या करना है, ये 100 करना है। देखिए अगर 5 से काटेंगे तो ऊपर यहाँ पे कितना बन जाएगा, 19 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। अगर सोचिए 2 से अगर 19 को काटेंगे कितना आ जाएगा,
ये 9.5 यानी 9.5 आ जाएगा। अब आप लोगों को देखिए इसी का इसमें गुणा करना है, तो कुछ लोग गुणा के लिए आपको क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, तो आपको देखिए ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधे देखिए 115 दिया है तो इसको 100 लिखिए, इसको आप लोग 10 लिखिए, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 5 लिखिए, और एक मिनट के लिए आपको क्या करना है, ये जो है 9.5 दिया गया इसको आप लोग भूल जाइए, सोचिए क्या है 95 है। अब देखिए जैसे अगर आप लोग यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले 100 में गुणा करेंगे 9500, और यहाँ पर पुनः अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 950 आ जाएगा। और देखिए 95 को 90 बना लीजिए, 9 × 5 = 45, यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा 450, और यहाँ पे लास्ट में 25 ऐड करना है। जैसे ऐड करेंगे तो देखिए जब ऐड कर देंगे तो इसको यहाँ पे क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 5 × 5 = 10 = 12 आ जाएगा, 12 × 2। अब देखिए 9 × 5 = 14, 14 × 4 = 18, 18 × 1 कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, और 9 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 10। देखिए एक अंक पर दशमलव लगा है पहले से, अब कितना बचा है हमारा 3 0 बचा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, तो जैसे अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.0925 x आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर यही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए यह भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या लिखा गया है, एक मोटर बोट की गति और पानी की धारा की गति का अनुपात कितना दे दिया गया है, 31:6 दे दिया गया है। तो मोटर बोट एक बिंदु से चलना शुरू कर देती है और धारा के साथ, देखिए धारा के साथ मतलब कितना चल रही है, 4 घंटे 10 मिनट में एक निश्चित दूरी, यहाँ पे देखिए ये निश्चित दूरी पूछा गया है, निश्चित दूरी तय करती है, सॉरी पूछा नहीं गया है, ये बता रहा है हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए पूछा गया मोटर बोट को अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगा समय हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, डी डिस्टेंस हमारा क्या दे दिया गया है, सेम दे दिया गया है। अब देखिए जब भी डिस्टेंस सेम रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए स्पीड का रेशियो मान लीजिए आपको क्या दे दिया जाए 2:3 दे दिया जाए, तो यहाँ से टाइम का रेशियो कितना हो जाता है 3:2 हो जाता है। तो जस्ट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो इस सवाल को आप लोग आसानी वे में लगा सकते थे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्पीड आपको कितना दे दिया गया है, स्पीड रेशियो यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे 31 है और यहाँ पे कितना दे दिया गया है 6 दे दिया गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिए डीएस, यहाँ पे आप लोग लिखिए अप, यानी डीएस मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, अप मतलब क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम होता है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का अगर आप लोग देखिए यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 31 में अगर 6 जोड़ेंगे ये कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, और पुनः एक बार घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 25 आ जाएगा। अब यहाँ से टाइम का रेशियो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए टाइम का रेशियो आ जाएगा 25:0, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा तो 37 हो जाएगा। अब हमसे देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए धारा के साथ 4 घंटे 10 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो 4 घंटे को सबसे पहले मिनट में बना लीजिए, जैसे इसमें गुणा करेंगे ये कितना आ जाएगा, देखिए अगर 60 लिखेंगे तो 6 × 24 = 240 + 10 = 250, यानी यहाँ पे आपको देखिए 25 यूनिट बराबर कितना मिल गया है, तो 250 मिनट मिल गया है, तो 37 यूनिट बराबर आपको कितना मिल जाएगा 370 मिनट मिल जाएगा। अब जैसे इसको घंटा में आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 360, आप प्लस ये 10 लिख सकते हैं, 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 घंटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 मिनट। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो 6 घंटा 10 मिनट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए आगे आप लोग देखते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चन लिया हूँ, वही क्वेश्चन लिया हूँ जो आप लोग इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा एग्जाम में। तो और जितने भी ये क्वेश्चन है समझ जाइए आप लोगों को पहले राउंड में नहीं करना है, ये आपको सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। कभी भी सवाल पेपर को सॉल्व करते समय स्किप वाली आदत आपके अंदर होनी चाहिए। तो चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा गया है, अनुज और अनूप अपनी अपनी कारों के स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करनी है, मतलब ये लोग यात्रा करते हैं। अनुज की स्पीड कितना दे दिया गया है, 70 किलोमीटर/घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है और प्रत्येक 10 मिनट में देखिए 3 ठहराव लेता है, जबकि अनूप की स्पीड कितना दे दिया गया है, 80 किलोमीटर/घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट देखिए 15 मिनट के 4 ठहराव लेता है। यदि अनुज को स्थान बी तक पहुँचने में 8.5 घंटा लगता है तो अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है,
आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए अनूप की स्पीड कितना, देखिए अनुज की स्पीड आपको कितना दिया गया है, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया। देखिए प्रत्येक 10 मिनट में 3 बार ये ठहराव लेता है। ठहराव मतलब क्या होता है, रुकता है। मतलब सबसे पहले देखिए यहाँ पे टोटल, देखिए अगर इसका हम लोग देखते हैं, निकालते हैं टोटल कितनी बार ये रुक रहा है, तो 10 का 3 में गुणा करेंगे 30 मिनट, और 30 मिनट को देखिए जैसे 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 आवर्स आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये इतने तो यहाँ पे ये रुक रहा है, और टोटल एक्चुअल अगर इसका टाइम निकालेंगे, देखिए अनुज का अगर आप लोग देखिए एक्चुअल टाइम अगर आप लोग निकालेंगे, एक्चुअल टाइम समझ जाइए अनुज, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अनुज का एक्चुअल टाइम निकालेंगे तो टोटल ये कितने घंटे में पहुंच रहा था, देखिए 8.5 घंटे में। देखिए अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटा लग रहा है, तो एक्चुअल टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, 8.5 में से क्या कर देंगे, ये 0.5 घटा देंगे, तो हमें ये कितना मिल जाएगा, 8 घंटा। ये 8 घंटा का मतलब इसे एक्चुअल टाइम लगेगा। अब यहाँ पे अगर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकाल देते हैं, डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए स्पीड, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अनुज की स्पीड हमारे कितना दिया गया है, 70। अब यहाँ पर डिस्टेंस ये स्पीड दिया गया है 70, और टाइम कितना दिया गया है, 8 घंटे दिया गया है, तो 8×56 यानी यहाँ से स्पीड डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो 560 किलोमीटर आ जाएगा। देखिए 560 किलोमीटर आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे देखिए, आगे बोला गया है, कहाँ चला गया, हाँ देखिए, जबकि बोला गया जबकि अनूप को, देखिए अनूप को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है, अनूप जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है, और प्रत्येक 15 मिनट में 4 ठहराव लेता है, तो 15 देखिए यहां से इसका आप लोग क्या कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे 15×60, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक घंटा तो यहाँ पर रुक रहा है, देखिए ये जो ठहराव ले रहा है ये एक घंटे तो यहाँ पर रुक जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में इसे कितना घंटा लगेगा, जो है अनूप जो है अनूप है ना, हाँ अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका दे दिया गया है कितना है 560, अब बटा में टाइम आपका कितना, टाइम आपका कितना दिया गया है, तो टाइम आप लोग क्या हो जाएगा, समय बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड, हाँ देखिए यहाँ पे स्पीड अनूप की कितनी दे दी गई है, 80 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 80 से डिवाइड कर देंगे, ये 0×0 8×56, मतलब अनूप को देखिए यहाँ पे 7 घंटा लग रहा है, और टोटल हमसे टाइम पूछा गया बी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, और यहाँ पर एक घंटा यहाँ पर रुक रहा था, तो टोटल अगर आप लोग टाइम निकाल देंगे, ये क्या आ जाएगा, टोटल टाइम, टोटल अगर टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7+1 अगर ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ये थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल हैं, इसमें देखिए अगर आप लोग पहले राउंड में इसको सॉल्व करेंगे तो मुश्किलें ज़्यादा टाइम लगेगा, समझ रहे हैं, एग्ज़ाम का ऊपर से प्रेशर रहता है, उस समय सवाल लगाना बहुत बड़ी बात है। देखिए एग्ज़ाम के बाहर सब कोई सॉल्व कर लेगा ऐसा नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के समय अगर वही चीज़ अगर दिमाग में हिट कर गई तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो बस वही चीज़ है, मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आपसे पूछ दिया जाएगा। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए लिखा गया है आनंद जो है 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, दूसरे अंतराल में उसने गति 20% बढ़ा दी, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की, उसने तीसरे अंतराल में पहले दो अंतरालों की औसत गति किया, औसत गति से तय किया, और दूसरे अंतराल में दूरी की तुलना में 10% अतिरिक्त दूरी तय की, अब तीनों अंतरालों को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगा। तो ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, सेकेंड राउंड का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, इस सवाल को आप लोग सेकेंड राउंड में सॉल्व कीजिए, अगर पहली बार में सॉल्व करेंगे तो फंस जाएंगे, तो फिर ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो इसीलिए पेपर को सॉल्व करते समय किसी भी सवाल को ईगो पे न लेना है कि ये तो हमसे लग नहीं रहा है, इसको तो हम लगा के ही छोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है ना, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, तो आप लोग अच्छे से समझिए, देखिए क्या दिया गया है, टी बराबर आपको 5 घंटा दे दिया गया है, और उसके बाद से देखिए यहाँ पे स्पीड बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 50 यहाँ पे किलोमीटर ये क्या हो जाएगा, पर आवर हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब जैसे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो जैसे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 250, ये कितना आ जाएगा किलोमीटर में, 250 किलोमीटर। ये तो हमारा, अब देखिए ये हमारा था पहला अंतराल, समझ रहे हैं,
ये पहला अंतराल था। अब सेकेंड राउंड में क्या बोल रहा है, देखिए सेकेंड राउंड में सेकेंड कंडीशन समझिए, देखिए दूसरे अंतराल में उसने गति को 20% बढ़ा दिया। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से आप लोग समझिए, स्पीड स्पीड आपका कितना है 50 दे दिया गया है। अब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, तो मतलब देखिए पहले स्पीड अगर 5 थी तो अब बढ़कर कितना हो गई है, 6 हो गई है। तो 5 से जैसे 50 को डिवाइड कर देंगे ये कितनी बार में जाएगा, 10, और इसका अगर 60 में 6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 किलोमीटर ये पर आवर क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी। अब उसी प्रकार आगे बोला गया है, देखिए जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। अब यहाँ से सबसे पहले यहाँ से डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस हमारा पहले अंतराल में कितना था, देखिए यहाँ पे 250 था, अब इसका 20% अधिक, तो वही समझिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5 था तो बढ़कर कितना हो गया है, 6 हो गया है। अब 5 से जैसे 250 को काटेंगे ये कितनी बार में चला जाएगा, 50 बार में, और इसका आपस में जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, ये 300 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आपको, यहाँ से अगर आप लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, अगर यहाँ पर टाइम निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर टाइम निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस 300 बटा में स्पीड आपका कितना आ गया है, 60, ये 0 से 0 और 6 × 5 = 30, यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई है, 5 आवर्स आ गई है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, आगे बोला गया, देखिए तीसरे अंतराल में उसने पहले दो अंतराल के औसत गति से तय किया। तो यहाँ से आपको क्या दे दिया गया है, स्पीड दिया गया है औसत। देखिए पहले स्पीड आपकी कितनी थी, 50 थी, और सेकेंड राउंड में स्पीड कितनी हो गई है, 60, 50 यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 50 + 60 अब बटा में आप लोग क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। जैसे ही इसको देखिए 6 × 5 = 110 यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से तो 155 किलोमीटर पर आवर ये क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। पुनः यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए डिस्टेंस क्या बोला गया है, दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में, दूसरे अंतराल में जो दूरी आया है, डिस्टेंस मतलब ये 300 आया है, दूसरे अंतराल में हमारी डिस्टेंस कितना आ गया है, 300 किलोमीटर आ गया है, 10% अधिक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 300 का 10% अधिक, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब पहले 10 था तो ये बढ़कर कितना हो गया है, 11। अब जैसे ये 10 से ये 0 डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 11 × 3 = 33, ये 330 ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा, 330 किलोमीटर। अब यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ से हमें टाइम निकालना पड़ेगा, समय, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा कितना है तो 330 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब 55 से जैसे 330 को डिवाइड करेंगे तो टी बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया है, 6 घंटा। तो हमसे क्या पूछा गया है, देखिए तीनों अंतरालों को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, तो टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए टोटल टाइम यहाँ पे पहले 5 घंटा लग रहा था, दूसरी बार में यहाँ पे 5 घंटा और यहाँ पे 6 घंटा, मतलब जैसे यहाँ पे लिखेंगे 5 + 5 + ये 6 ऐड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 16 आवर्स। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 16 आवर्स इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, सेकेंड राउंड में इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो चलिए इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, दी गई आकृति में एक वृत्त का व्यास, ये भी आपका व्यास है, और जीवा हमारी सीडी है, पी पर मिलते हैं, पीटी, देखिए पीटी हमारा क्या होता है, टी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि सीडी बराबर कितना दे दिया गया, देखिए सीडी बराबर 8 सेंटीमीटर और पीडी बराबर आपको 10 सेंटीमीटर और पीबी बराबर आपको कितना दे दिया गया, 8 सेंटीमीटर। तो हमसे ए बी का लेंथ मतलब हमसे पूछा गया है, देखिए ये वाली लेंथ, समझ रहे हैं, यहाँ से लेके जो यहाँ तक जा रही है यही लेंथ हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले छोटा सा मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा, यहाँ से एक हम लोग क्या खींच दिए, टेंजेंट खींच दिए, और ये समझिए छेदक रेखा यहाँ पे जा रही है, ठीक। इसको मान लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा पी है और ये हमारा टी है, समझ रहे हैं, और इसको मान लेते हैं, मान लीजिए ये ए है, यहाँ पर आपका क्या है, बी है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए पी टी स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी पी और गुणे आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी लिख सकते हैं। एक और कंसेप्ट क्या है, तो एक और कंसेप्ट ये होता है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है,
एक टेंजेंट ऐसे जा रही है, समझिए ये आपका क्या है, टेंजेंट खींचा गया है और एक टेंजेंट यहाँ से खींच दी गई है। मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और ये आपका क्या है, पी। तो सर्कल से बाहर से खींची गई टेंजेंट आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, मतलब आपका क्या हो जाएगा, ए पी बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, बी पी। और ये बी पी देख के आप लोगों का बी पी तो नहीं बढ़ रहा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या गया है, तो जो दिया गया है इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये तो लिखा गया है, यहाँ पे बी है। सबसे पहले देखिए सी डी, सी डी यहाँ पे लिखा गया 8 सेंटीमीटर, और ये डी पी, डी पी कितना दे दिया गया, 10। तो आप लोग देखिए सबसे पहले पी टी, यहाँ से आप लोग देखिए अगर आप लोग इसका स्क्वायर निकालते हैं, देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक सेंटर हो जाएगा, ये आप लोग समझिए इसका आपका सेंटर हो जाएगा जो ओ हो जाएगा। सेंटर से अगर आप लोग सोचिए यहाँ तक जाते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और इधर भी जैसे ये जाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा। मतलब ए से लेके ये बी तक टोटल डिस्टेंस आपका कितना दे दिया गया है, तो ये भैया 2r का दे दिया गया है, 2r दे दिया गया है। अब आप लोग इस पर फोकस कीजिए, देखिए पी टी सी डी वाले में ना, जो यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, आप लोग इसको ऐसे समझिए, यहाँ से आपको फोकस करना है इस वाले में, समझिए, समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से अगर आप लोग इसको निकालेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से पी टी स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डी पी, डी पी का मान कितना दे दिया गया है, यहाँ पे 10 दे दिया गया है। और गुणे आपका देखिए ये टोटल लेंथ आपका कितना आ जाएगा, 10 प्लस 8 जोड़ देंगे, ये टोटल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, समझ रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। उसी प्रकार अब आपको फोकस क्या करना है, तो फोकस इस वाले पे करना है, देखिए यहाँ पे। अब अगर आप लोग एक बार सोचिए ये पी टी वाले को लेते हैं, और एक बार अब आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, ये बी वाला लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये टोटल अगर आप लोग इसकी लेंथ निकालेंगे, 1 मिनट मैं कलम चेंज कर देता हूँ, देखिए देखिए अगर आप लोग टोटल ए से लेके पी तक की अगर आप लोग लेंथ निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखिए 2r, और ये प्लस कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी पी टी स्क्वायर बराबर, तो सबसे पहले तो ये वाली लेंथ हमें लेना पड़ेगा ना, देखिए पी बी, पी बी कितना दिया गया है, ये 8 दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, पी बी प्लस ए पी, ए पी का मान कितना है, 2r प्लस, देखिए ए पी का मान है 2r प्लस 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसका मान हमें पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 गुणे आपको क्या लेना है, 18, और यही बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 8 इंटू यहाँ पे कितना है, 2r प्लस यहाँ पे कितना है, 8 है। जैसे अगर क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 है, 2 से इसको काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ से 2 दुना के 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 4.5, इसमें गुणा कर देंगे तो 5 25 4 5 20 2 22, मतलब कितना आ गया है, 22.5, 22.5 बराबर हमें कितना दिया है, 2r प्लस 8 दे दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाल देंगे, देखिए 2r बराबर हमें कितना मिल जाएगा, तो ये 22.5 में से 8 घटा देंगे तो 2r बराबर हमें कितना मिल जाएगा, तो 14 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 14.5 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 14.5, क्योंकि देखिए हमसे ए बी 2r का मान पूछा गया है ना, तो 2r का मान यहाँ से मैं निकाल दिया हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, साधारण ब्याज, 1 मिनट, दरवाज़ा बंद मत करिए ना, ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, घर वाले आए थे, सिस्टर थी। देखिए क्या लिखा गया है, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 6400 रुपये 8300 रुपये हो गए, तो 5 वर्ष में 7200 रुपये कितने हो जाएंगे। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, किस पे फोकस करना है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे मान लीजिए पी है, पी मतलब समझ रहे हैं प्रिंसिपल होता है, तो यहाँ पे आपका कितना दे दिया गया है, देखिए 6400 दिया गया है, यहाँ पे आपका कितना दे दिया गया है,
8320 दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रेशियो पे वर्क कर लेते हैं। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 8 64, यहाँ पे 80, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 1 8 8 4 32, पुनः 8 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे देखिए 8 1 8 8 3 24। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ब्याज निकालेंगे तो आप लोग ऐसे समझिए, सीधे सीधे या तो यहाँ से जीरो बढ़ा सकते हैं या तो एक और जीरो बढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसे सोचिए, 100 रुपये का सामान है, अगर आप लोग 130 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है, 30% का फ़ायदा हो रहा है ना, 30%। या तो ऐसे समझिए या तो ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 10 था, यहाँ पे 13 था, यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 3/10 गुणे 100 करना पड़ेगा, तो इस प्रकार भी कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या है, हमारा अमाउंट है। तो देखिए यहाँ पर ब्याज दर निकाल दिए हैं, मतलब समझ रहे हैं। देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो आप लोग ऐसे समझिए, देखिए 3 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 30% मिल रहा है। तो 5 वर्ष में देखिए, 5 वर्ष में जैसे आप लोग निकालेंगे तो 5 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, 50% मिल जाएगा। और 50% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 50% को हम लोग, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए 50% को आप लोग 2/3 लिख सकते, सॉरी ये क्या हो गया, 50% को 1/2 लिख सकते हैं। मतलब 2 रुपये का सामान अब आप लोग इसको कितने में, 3 रुपये में बेच रहे हैं। समझिए ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। मतलब 2 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, देखिए ये 7200 दे दिया गया है, तो ये कितने गुना हो रहा है भैया, ये इसका आपका बता सकते हैं, ये 36 गुना हो रहा है ना, 3600। अब ये 3 यूनिट का मान हमसे पूछा गया है तो कितना आ जाएगा, 36 3 108, मतलब 10800 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल भी अप्रोच है, और सच बता रहा हूँ अगर आप लोग ये अप्रोच दिमाग में सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ मतलब आसानी वे में लगाया जा सकता है कम टाइम में। तो बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे, अगर पेपर देखिए इस सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप लोग इसको नहीं देखे रहेंगे, इसका शॉर्ट अप्रोच आप लोगों को आनी चाहिए। सबसे पहले आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है हमारा पी क्यू आर एस में एक वृत्त इस प्रकार अंतर्गत है कि पी क्यू क्यू आर पी आर स्पर्श रेखा है डी ई एफ को, ऐसे ऐसे करके देखिए पी क्यू की लंबाई, सबसे पहले पी क्यू आप लोग थोड़ा सा चलिए, ये टोटल लेंथ हमारा कितना दे दिया गया है, पी क्यू ये हमारा है 18, पी क्यू 18, उसके बाद से क्यू आर मतलब ये वाली लेंथ, समझ रहे हैं, ये वाला लेंथ कितना दे दिया गया है, 13 दे दिया गया है, और पी आर देखिए ये वाला टोटल लेंथ आपको कितना दे दिया गया है, 15 सेंटीमीटर का। हमसे क्या पूछा गया है, पी डी मतलब समझ रहे हैं ये वाला पी डी। अब पी डी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पी डी डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, तो देखिए इसके अगल बगल वाली साइड, ये मान लीजिए अगल वाला है ये बगल वाली है, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 प्लस यहाँ पे 15, माइनस क्या करना है, तो इसके सामने वाली साइड ये देख रहे हैं, ये आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, अब बटा में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। जैसे आप लोग इसको लिखेंगे, देखिए 18 और 15 जोड़ेंगे तो 15 15 30, और 3 33 33 में से 13 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 20 20/2 जैसे डिवाइड कर देंगे तो इसका लंबाई कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कल को अगर मान लीजिए अगर आपको ये वाला लेंथ पूछ दिया जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग देखिए अगल बगल इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐसे समझिए ये अगल वाली है और ये आपके बगल वाली है ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस सोचने के लिए बता रहा हूँ। तो इन दोनों को ऐड करके ये सामने वाली साइड घटा देंगे तो आपका आर ई का मान आ जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख के जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इस सवाल को भी देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए अभी मल्टीपल अप्रोच है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। देखिए अगर डिटेल में सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो टी बराबर, अगर आप लोग देखिए टी बराबर 30 पुट कर देते हैं, टी बराबर जैसे 30 पुट करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और बटा में यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा, माइनस साइन 30 का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना, उसके बाद से यहाँ पे माइनस दिया है, देखिए माइनस साइन 30 का मान 1/2 और बटा में कितना आ जाएगा, 4 प्लस यहाँ पे 4 प्लस 1/2 आ जाएगा। देखिए 2 1 2 1 3 3/2, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 3/2 और बटा में 4 2 8, 8 में से 4 घटा देंगे कितना बचेगा, ये 4/2 बच जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस। अब देखिए यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, नीचे 4 एकम में देखिए इसका 4 2 8, 8 4 12 कर देंगे,
अब 12 बटा में कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ओवरऑल यहाँ से हमें क्या मिला है, 3 बटा में 4 में से 1 बटा में 12 अगर आप लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे देखिए यहाँ से अगर 3 से गुणा कर दीजिए, 4 तीन 12 तितली के 9, 9 में से 1 घटा देंगे 8, 8 बटा में 12, 4 से काटेंगे 4 दुना के 8 और 4 तियाई 12, मतलब ऑप्शन वही सही होगा जहाँ पर 2 बटा में 3 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है, यहाँ पे जैसे 4 लिखेंगे 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 और इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे तो मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, देखिए 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, अब sec 30 देखिए cos 30 का मान कितना होता है 3/2, तो sec का क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 2/3 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी तो मिलेगा नहीं, ना ही इधर मिलेगा, तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग समझिए, ये एसएससी का फेवरेट टाइप है। बार बार देखिए कभी यहाँ पे पी लिखा है तो कभी एक्स लिख देगा, वाई लिख देगा, आर लिख देगा, इसी तरह देता है ना, कुछ भी ऐसे करके देता है। तो जब भी ऐसे सवाल आपको दिखे तो यहाँ पर पी बराबर क्यू बराबर आर, आर बराबर आपको क्या ले लेना है 1 लेना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे देखिए 2, आप लोग ऐसे समझिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, 4 में से 1 घटा देंगे यहाँ पे कितना मिलेगा 3, अब प्लस यहाँ पे 1 और ये टर्म कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे पुनः कितना मिल जाएगा आपको 1/3 मिल जाएगा, पुनः यहाँ से कहाँ मिल जाएगा 1/3, तीनों को जोड़ देंगे 3/3 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये पार्ट 2 हमारा क्या हो गया, ये पार्ट 2 हमारा हो गया है कम्प्लीट, और मैं सोच रहा हूँ कि कल एक और पार्ट 3 आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल मैं अच्छे अच्छे चुना हूँ, देखिए शुरुआत में थोड़ा देखिए अच्छे टाइप के क्वेश्चन थे, लास्ट में थोड़ा इजी टाइप के क्वेश्चन है, तो ये मत सोचिए कि आपके पेपर में मतलब खाली हार्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना, समझिए ऐसे इसमें क्या है थोड़ा पेपर को मैं ईजी बनाया हूँ, थोड़ा सा मॉडरेट बनाया हूँ, जिससे कि मतलब जो समझ जाइए एक तरफ से अच्छा स्कोर है यहाँ पे मेंटेन हो सके। तो चलिए पार्ट 3 में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये सेशन कैसा लगा, जय राम जी की। देखिए लिखा गया है एक दुकानदार 3600 रुपये में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदते हैं, उसने उसका पाँचवा देखिए उसका पाँचवा हिस्सा 10% की हानि पर और शेष का 1/4, 5% की हानि पर और शेष का 2/3 15% के लाभ पर बेच दिए, कुल मिलाकर 27% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष सेब किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए सच बता रहा हूँ मल्टीपल अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच अगर आप लोग थोड़ा सा अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो देखिए इस सवाल को पहले राउंड में आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर कल पूछा जाए आपके एग्जाम में तो सबसे पहले इसको स्किप कीजिए, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसके बाद से अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें उसके बाद से फर्दर आके इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सुनिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया उसका पाँचवा हिस्सा, मतलब आप लोग ऐसे सोचिए 1/5, उसके बाद से आगे बोला गया है शेष का 1/4, सबसे पहले शेष का आपको क्या लेना है 1/4, उसके बाद से आगे बोला गया है फर्दर, देखिए क्या बोला गया है शेष का 2/3, 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा। अब देखिए नीचे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, अगर आप लोग देखिए इसका मल्टीपल अगर आप लोग लेना चाहेंगे या तो आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, देखिए 4 × 5 = 20 और 20 × 3 = 60, अगर आप लोग टोटल 60 यूनिट मान लेते हैं, देखिए टोटल अगर आप लोग 60 यूनिट मान लेते हैं तो अगर आप लोग सोचिए इसका 1/5 अगर आप लोग निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1/5 यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ना। अब देखिए 60 में से 12 घटा देंगे, अब कितना बचा है 48 बचा है, अब 48 का आपका क्या निकालना पड़ेगा, देखिए 48 का 1/4 निकालेंगे, जैसे इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार में चाहेगा 4 × 4 = 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए 48 में से 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 36 का हमें क्या करना है मतलब 2/3 निकालना है, देखिए जैसे ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 3 × 6 और 12 × 2 कितना आ जाएगा ये 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। अब 36 में से अगर आप लोग 24 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 12। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा।
अब देखिए बोला गया है, देखिए उसका 1/5 हिस्सा 10% की हानि पर, तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे क्या लेना है, 10 लिखना है, 10% की हानि पर। सोचिए यहाँ पे 10 लिख दीजिए, उसके बाद से 1/4 हिस्सा को कितने पे, 5% की हानि पे, तो यहाँ पे माइनस आपको क्या लिखना है, 5% लिखना है। उसके बाद से इसको बेच रहा है आपका 15% के लाभ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15% के लाभ पर प्लस लिख लीजिए। अब मान लेते इसको अगर बेच रहा है तो मान लेते हैं इसको के परसेंट के लाभ पर बेच रहा है ना, समझिए के परसेंट के लाभ पर बेच रहा है। अब ओवरऑल आपको क्या दिया गया है, तो देखिए ओवरऑल यहाँ से अगर आप लोग निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, 27% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 27% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए यहाँ से भी मल्टीपल अप्रोच है। अगर आप लोग देखिए कैलकुलेशन को ईजी बनाना चाहते हैं तो सीधे सीधे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 12 यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी 12 दिख रहा है, और आपको कहाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर 24 दिख रहा है, यहाँ पर भी 12 दिख रहा है, यानी 12 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये भी 12 से डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर 1 आ जाएगा, 12 से जैसे काट देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 × 24, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 12 से जैसे इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ओवरऑल हमें 27% का प्रॉफिट करना है। देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसका सम लेना है, देखिए एक एक जोड़ देंगे दो, दो दो जोड़ देंगे चार, चार एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 5 यूनिट आ गया ना, तो सीधे सीधे यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 का गुणा कर देना है। 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, देखिए अब आपको यहाँ से देखिए मैं कलम चेंज कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए अब ये 10 आया है, 10 का आपको क्या करना है, 1 में गुणा करना है, तो यहाँ से जैसे गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए माइनस यहाँ से 10, अब पुनः इस 5 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए उसके बाद से ये 15 बचा है, 15 का 2 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 30, और यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, और यही बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 27 का 5 में गुणा करेंगे तो 27 का 20 में गुणा कीजिए, 20 × 5 = 100 और 7 × 5 = 35, ये कितना आ जाएगा आपका, 135 आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए k + 15 बराबर आपको कितना मिल गया है, 135, तो k बराबर आपको कितना मिल जाएगा, के बराबर आ जाएगा 120%, मतलब आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, तो 120% का। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे सब परसेंट में लिया हूँ। देखिए 120% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखिए हमसे क्या पूछा गया है, शेष को, यहाँ पे देखिए शेष सेब को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये 3600 दिया है, इसका कोई रोल है नहीं, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है, SP निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या था, हम लोग 12 लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे और टोटल हम लोग कितना माने थे, 60 लिए हैं। देखिए टोटल हम लोग यहाँ पे कितना लिए हैं, 60। अब इसमें क्या हो रहा है आपका, 120% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मान लीजिए अगर कोई सामान है, मान लीजिए 100 रुपये का है, अगर इसको 10% प्रॉफिट दे के बेचते हैं तो ये कितने में जाता है, 110 में। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको क्या निकालना है, देखिए 220 और बटा में आपको क्या करना है, ये 100 कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0। अब देखिए 12×72 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12×72, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 2×11 लिख सकते हैं। जैसे फर्दर अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72×144 और 11×, जैसे इसका गुणा कर देंगे, देखिए यहाँ पे 4, 4×4 = 8, 4×1 = 5, यानी 1584 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो 1584 रुपये इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को इससे अच्छा बेहतर मेथड अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सलूशन कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस समय तो ये SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझिए। लिखा गया है 200 मीटर की रैखिक दौड़ में यदि AB को 25 मीटर की शुरुआत देता है तो ए 10 सेकेंड से दौड़ जीत जाता है, साथ ही यदि AB को 45 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ एक साथ समाप्त हो जाती है। तो ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा। अब देखिए ये सवाल SSC का फेवरेट है और इस समय एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं, समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ठीक, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपका यहाँ से ये है, आगे क्या बोला गया, देखिए AB को 25 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब ए यहाँ पे है सोचिए, और ये टोटल आपका जो दौड़ है ये मान लीजिए कितने का है, 200 मीटर का है, समझ रहे हैं, 200 मीटर का है, तो इसका तो कोई रोल नहीं है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पे बोला गया ए जो है 25 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब ए यहाँ पर है तो बी कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी होगा। अब आगे बोला गया है तो 10 सेकेंड में दौड़ जीत जाता है, उसके बाद साथ ही AB को 45
45 मीटर की शुरुआत देता है। अगर सोचिए यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, आप लोग समझ रहे हैं, देखिए ये वाला डिस्टेंस आपको कितना दे दिया गया है, 25 दिया गया है, आप लोग ऐसे समझिए। और उसके बाद से आगे ये वाला, यहाँ से समझिए, यहाँ पे आपको कितना दे दिया गया है, 45। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरा बिंदु हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 45। देखिए बोला गया है ना, ए बी से 45 मीटर की शुरुआत देता है। अब यहाँ पे तो आ जाएगा, लेकिन सोचिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से ए तो पूरा राउंड यहाँ तक राउंड मारेगा ही, समझ रहे हैं, ये तो राउंड मारेगा। अब बी, बी जो है यहाँ पर आ गया है, सोचिए जब बी यहाँ पर आ गया है तो ये यहाँ पे यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ तक, देखिए इस स्थान से यहाँ तक जाने में टाइम क्या लग रहा है, ये सेम लग रहा है। बोला गया ना, देखिए देखिए जब ए बी को 45 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ एक साथ समाप्त हो जाती है, तो यानी यहाँ पे दौड़ हमारी समाप्त हो रही है। अब देखिए यहाँ से पहले लाइन में क्या बोला गया, देखिए ए जो है 10 सेकेंड से दौड़ जीत जाता है। अब यहाँ से सोचिए, अब ए जो है 10 सेकेंड से दौड़ जीत रहा है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को फोकस करना है। देखिए यहाँ पे आप लोग फोकस कीजिए, जो ये वाला डिस्टेंस है, समझ रहे हैं, बी जब बी जो है क्यों हार रहा है, क्योंकि इतना जो डिस्टेंस है जो एक्स्ट्रा चल रहा है, समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये 20 मीटर की है, और बी यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए बी जो है 10 सेकेंड से हार रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बी की स्पीड निकाल देते हैं, स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, देखिए बी की स्पीड, बी का स्पीड अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 20 मीटर, बटा में टाइमिंग, टाइम कितना दे दिया गया है, 10 सेकेंड, तो यहाँ से 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, देखिए बी की स्पीड, बी की स्पीड हमें कितना आ गया है, तो ये आ गया है भैया 2 मीटर प्रति सेकेंड आ गया है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए जितने समय में, यहाँ से देखिए अब ये वाला जो डिस्टेंस बच रहा है, समझ रहे हैं, ये कितने का है, तो 155 मीटर का है। जितने समय में बी 155 मीटर जाता है, उतने समय में ए कितना कवर कर रहा है, 200 किलोमीटर कवर कर रहा है, समझ रहे हैं, 200 मीटर कवर कर रहा है। तो यानी यहाँ पर अगर हम लोग बी का टाइम निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम इसका सेम लग रहा है, वही इसको यहाँ तक जाने में टाइम सेम लग रहा है, मतलब अगर हम लोग इसका टाइम निकालते हैं तो ए का टाइम क्या आ जाएगा, देखिए ए का यहाँ से अगर हम लोग टाइम निकाल देंगे तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, तो 155 है। स्पीड हमारा कितना दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है। अब इसको जैसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, और यहाँ से 5 आ जाएगा, 77.5 सेकेंड। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 77.5% आ जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है ना, मैं वही अप्रोच बताया हूँ जिसको इस सवाल को आसानी में लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके कहने का मतलब क्या है, अगर दूसरा तरीका लगाएंगे तो ए मान लीजिए यहाँ पे बी, तो सबसे पहले ए 200 मीटर पे चल रहा है, तो ये बी को 25 मीटर की बढ़त शुरुआत देता है, मतलब बी तब कितना जा रहा है यहाँ पे 175, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये 10 सेकेंड से हार रहा है, समझ रहे हैं, तो ए 10 सेकेंड से जीत जाता है। पुनः ए अगर 200 मीटर चल रहा है तो बी कितना जा रहा है, 155 जा रहा है। बस इन्हीं दोनों का कंपेयर करेंगे तो ये सवाल लग जाएगा। तो चलिए यही अप्रोच जानिए, ये अप्रोच अगर आप लोग लगाएंगे तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को आसानी वे में लगा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन को देख के घबराइए मत, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो सवाल को ज़्यादा टाइम तो लगेगा समझाने में, अगर आप लोग इसको समझ लेंगे तो एग्जाम हॉल में इसको लगा सकते हैं, इसको बस 2 बार इसको लगा लीजिएगा। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मैं बता दूँ, देखिए ये CGL में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, और ये कब पूछा गया है, तो ये 2023 में पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में क्या है, बहुत बेहतरीन लेवल का ये भी सवाल है ना, तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझिएगा। चलिए देखिए लिखा गया है, अनिल और तीरथ ने 2 बिंदु ए और बी के बीच 192 किलोमीटर दूरी तय की। देखिए अनिल ने सुबह 8:20 बिंदु ए से यात्रा शुरू की और 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाई, बिंदु बी पर पहुंच गया और तुरंत उसी गति से ए पर लौट आता है। समझिए तीरथ ने सुबह 9:50 बिंदु ए से यात्रा शुरू की और 96 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाई और बिंदु बी पर पहुंच गया और तुरंत उसकी गति, देखिए तुरंत उसी गति से ए पर वापस आ गया। तो अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे को कितने समय पर मिलेंगे। अब देखिए ये भी सवाल एग्जाम में आपको, देखिए पहली बार में सॉल्व नहीं करना है इसको, आप लोग अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको इसको क्या करना है, स्किप करना है। स्किप करने के बाद अगर टाइम मिलता है तो इसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो ये आपका टाइम क्वेश्चन खराब कर देगा। तो साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है पहली बार में, कौन सा नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए स्थान आपका क्या है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखिए ये स्थान ए है और यहाँ पे आपका स्थान बी है। तो देखिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना दे दिया गया है, ये आप लोग समझ जाइए 192 किलोमीटर दे दिया गया है, मीटर है किलोमीटर।
अब देखिए ए जो है 8:20 पे स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे मैं 8:20 लिख दे रहा हूँ। 8:20 से बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब देखिए 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए जो है बी पर पहुंचने में कितना घंटा ले रहा है। तो यहाँ से हम लोग अगर टाइम निकाल देते हैं तो डिस्टेंस टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस कितना दे दिया गया है 192, अब बटा में स्पीड आपको कितना दे दिया गया है, देखिए 64 दे दिया गया है। 64 से जैसे 192 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से टी बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 3 घंटा मिल जाएगा। समझ रहे हैं, 3 घंटा हो जाएगा। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ से कहने का मतलब क्या है तो आप लोग अच्छे से समझिए। जब ए जो है यहाँ पर आ गया, यहाँ पे क्या है अनिल, चलिए नाम आप लोग अनिल ए आ गया यहाँ पे। अब ये कितना 3 घंटा में, देखिए 8 × 3 = 11, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 11:20 आ जाएगा। अब बी क्या करेगा, देखिए अब बी यहाँ पर है, समझ रहे हैं, मान लीजिए जो तीरथ है यहाँ पर है, अब बी यहाँ से मान लीजिए बी मान लिया हूँ ना, अब बी यहाँ से क्या करेगा 9:50 से चलना स्टार्ट करेगा, और इन दोनों के बीच की दूरी आपको कितना दे दिया गया है 192 किलोमीटर दे दिया गया है। तो देखिए अब सबसे पहले जब ए यहाँ ये वाला जो है यहाँ तक पहुँचेगा, उसके बाद से तब ए स्टार्ट करेगा चलना, बी जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ए स्टार्ट करेगा चलना। मतलब इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, देखिए इन दोनों के बीच का हमें टाइम का डिफरेंस निकालना है। तो जैसे देखिए 1100, देखिए कि कितना, सॉरी 1120 में से आप लोग क्या कर देंगे 9:50 अगर आप लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जैसे घटाइए तो यहाँ पे 1 दे देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 बनेगा, क्योंकि ये भैया मिनट है ना, वैसे मत घटा दीजिएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा ना, तो वैसे नहीं करना है, यहाँ पे 80 हो जाएगा, 20 यहाँ 60 जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80 में से यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, 1 घंटा 30 मिनट को अगर बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.5 घंटा आ जाएगा। मतलब ये 1.5 घंटे बाद 1.5 घंटे में क्या करेगा, देखिए जो 1.5 घंटे में बी है 1.5 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसका हम लोग निकाल देते हैं। देखिए इसकी चाल हमें कितना दिया गया है 96 किलोमीटर पर आवर, देखिए 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में जो बी है कितना डिस्टेंस कवर कर देगा, तो देखिए 1 घंटे में कितना जाएगा 96, और पुनः आधे घंटे में कितना चलेगा, 96 का आधा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, जैसे ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 144 किलोमीटर ये क्या हो जाएगा कवर कर देगा। तो 1.5 घंटे बाद सोचिए, 1.5 घंटे बाद अगर यहाँ से ये चलता है तो ये मान लीजिए 144 किलोमीटर ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया है, कवर कर लिया है। अब रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा 48। अब देखिए इधर से ये जा रहा है और इधर से ये क्या आ रहा है और बीच में कहीं पे मिलेंगे, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, देखिए रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि जब विपरीत डायरेक्शन में जाएगा कोई भी चीज़ तो यहाँ पे क्या होता है रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 96 और प्लस यहाँ पे 64, जैसे इसको ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 160 किलोमीटर ये क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अब यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, समय मिलने का टाइम, तो डिस्टेंस हमारा है 48 बटा में आपको क्या करना है 160 दिया गया है। अब देखिए जैसे डिवाइड करेंगे 16 × 48 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/10 और 3/10 आ गया, और इसको अगर आप लोग यहाँ से 60 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 जाएगा 6 × 3 = 18। मतलब ये 18 मिनट बाद, आप लोग ऐसे समझिए 18 मिनट बाद ये क्या करेंगे, मिलेंगे। अब कहाँ से मिलेंगे 18 मिनट बाद, तो ये 11:20 हो गया है। अब इसमें जैसे अगर आप लोग 18 जोड़ देंगे, देखिए 11 यहाँ पे 20 प्लस 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11:38 आ जाएगा। तो मतलब 11:38 पे ये क्या कर लेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, पहली बार एक दूसरे को 11:38 पर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का सवाल है। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस रहेगी इस सवाल को तो आप लोग सॉल्व करते हैं, अन्यथा आप लोग इसको स्किप कर दीजिएगा। बाकी उम्मीद करता हूं कि समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर यम दे दिया गया, तो हमसे यम स्क्वायर माइनस वन बटा में यम स्क्वायर प्लस वन का मान पूछा गया है। तो देखिए अगर आप लोग देखिए ये फार्मूला पढ़े होंगे कि कौन सा फार्मूला, तो यहाँ से देखिए ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है हमारा काट स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। तो आप लोग सोचिए ऐसे ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी और अगले कोष्ठ में क्या आता है ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस है ना ए माइनस बी आता है। तो सीधे सीधे जब देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर यम दे दिया गया है, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका क्या निकालेंगे, देखिए कोसेक थीटा माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ये टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा ये 1/m आ जाएगा। तो इस वाले को इक्वेशन 1 मानिए, इसको आप लोग मानिए 2, जैसे दोनों को अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसेक
यहाँ पे थीटा बराबर क्या आ जाएगा, देखिए जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे यम प्लस वन अपान यम आ जाएगा, तिरियक जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यम स्क्वायर प्लस वन बटा में क्या क्या आ जाएगा यम, लेकिन अगर दो को अगर नीचे यहाँ पे भेज देंगे तो ये क्या बनेगा हमारा टू यम, तो यहाँ से मैं दो को हटा देता हूँ। अब जैसे इन दोनों को देखिए, यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिए, देखिए जैसे इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को अगर आप लोग जैसे घटाएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ से मिल जाएगा आपका कॉट थीटा, टू रहेगा डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यम स्क्वायर माइनस वन बटा में क्या आ जाएगा हमारा टू यम आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब हमसे देखिए हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे देख फोकस कीजिए, देखिए यम स्क्वायर माइनस वन यम स्क्वायर प्लस वन, तो देखिए कहाँ पे हमें माइनस वन मिल रहा है, तो यहाँ पे माइनस वन मिल रहा है और यहाँ पे प्लस वन नीचे मिल रहा है, तो इसको आप लोग देखिए इक्वेशन तीन मानिए इक्वेशन चार। अब चार को क्या कर देंगे, तीन से डिवाइड कर देंगे, चार को जैसे तीन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो यम स्क्वायर माइनस वन बटा में हमारा क्या आ जाएगा, तो बटा में आ जाएगा यम स्क्वायर प्लस वन बराबर आपका क्या आ जाएगा, देखिए अब देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं वन अपान ये साइन थीटा लिख सकते हैं, ए सॉरी यहाँ पे तो कॉट थीटा ऊपर चला जाएगा ना, वन मिनट, हाँ देखिए माइनस वाला तो कॉट थीटा है, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में ये आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा, और पुनः एक बार ये क्या लिख देंगे आप लोग वन अपान ये साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा, इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा कोसेक थीटा, यानी ऑप्शन नंबर तीन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन छाटने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो उम्मीद करता हूँ देखिए यहाँ से मैं आपके रिलेवेंट चीज़ का भी ध्यान रखा हूँ कि ये इरिलेवेंट चीज़ ना हो, तो वही चीज़ मैं करवा रहा हूँ जो एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुकी है। चलिए इस क्वेश्चन पे देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को ले लिया हूँ क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा और ये हर साल पूछा जाता है, तो चलिए इसका बेस्ट अप्रोच मैं बताऊँगा। देखिए लिखा गया है एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से x परसेंट अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर देखिए 12% की छूट देता है, यदि उसका लाभ 10% है तब यक्स और प्रतिशत लाभ के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग मानिए यहाँ पे सीपी होता है और यहाँ पे क्या होता है एमपी, जैसे देखिए जैसे कुछ मार्कअप आप लोग करते हैं तो ये क्या होता है आपको क्या मिलता है एमपी मिलता है, एमपी से थोड़ा सा अगर आप लोग कुछ डिस्काउंट देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा एसपी मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। तो देखिए मान लेता हूँ देखिए यक्स परसेंट अंकित करता है, तो मान लेते हैं हम क्या होता है देखिए यक्स से वाई हो जा रही है, अधिक हो रहा है तो यक्स से वाई, अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट, 12% का मतलब क्या होता है देखिए ये 100 का समान है 12% घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 88 में जाएगा, और देखिए उसके बाद से ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10%, यानी 10 का समान कितने में चला जा रहा है 11 में चला जा रहा है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, यही चीज़ देखिए यही अप्रोच आपको लगाना है, अब आपको देखिए ये वाला टर्म इसका इधर गुणा करना है इसका इधर गुणा करना है, अगर आप लोग देखिए यक्स रेशियो अगर वाई निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो सबसे पहले इसका इधर लेना है तो ये आपको क्या मिलेगा 10 × 88 मिल जाएगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा इस सवाल को तो आप लोग आसानी में लगा सकते हैं, 100 × कितना मिल जाएगा 11। अब देखिए यहाँ से 11 से अगर 88 को डिवाइड कर देंगे 8, और देखिए ये 0 से ये 0 एक कट जाएगा, जैसे 2 से काटेंगे 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10, मतलब ये देखिए ऐसे सोचिए 4 रुपये का सामान 5 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का फायदा हो रहा है, तो 1/4 का, 1/4 कितना होता है 25%, मतलब यक्स का मान आपको कितना मिल गया, देखिए यक्स का मान आपको कितना मिल गया है 25%, और प्रॉफिट आपको कितना दे दिया गया है 10%, प्रॉफिट आपको कितना दे दिया गया है 10%, और इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा है तो कितना आ जाएगा 15%, तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 15% इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है देखिए 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श जीवा की लंबाई, अब मैं आपको बता दूं देखिए ये सीजीएल 2020 2021 2022 2023 और सीएचएसएल 2024 ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, सीधे इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है आपको याद कर लेना है, याद कर लेंगे तो अच्छा होगा, फ्री का नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आइए मैं फिगर बनाता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए जैसे दो सर्कल है ना, ये आपका एक सर्कल हो गया, एक दूसरा सर्कल ऐसे जा रहा है, समझिए ये दो सर्कल एक दूसरे के केंद्र से होकर जा रहे हैं, तो कलम मैं चेंज कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपका मान लीजिए इसका सेंटर है और यहाँ पे इसका सेंटर है, ये आपका O1 हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा O2 हो जाएगा,
अब देखिए जैसे सेंटर से इसको यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, एक कामन कोड आपका ये खींची गई है ना, ये समझिए कामन कोड है, ये यहाँ पे आ रही है। इसका नाम मैं पी और इसका नाम क्यू दे देता हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए यम हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री पे डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमसे बार बार पूछा गया है उभयनिष्ठ स्पर्श यानी कामन कोड, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या लिखा गया है, कामन कोड की लंबाई, तो ये पी क्यू, देखिए ये पी क्यू, पी क्यू बराबर क्या होता है, तो आर अंडर रूट में कितना होता है, ये 3 होता है। तो ये चीज़ आपको याद आनी चाहिए, अगर ये चीज़ याद रहेगा तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज यही है कि इस टाइप के क्वेश्चन देखिए 2020 21 22 23 मेंस में भी पूछा गया है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सीधे 18 कोष्ट में हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, यहीं तक मैं क्वेश्चन लिया हूँ, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन अच्छे अच्छे लिया हूँ और थोड़ा सा टाइम कम है, मुझे जाना है और कहीं, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।